जुलाई 1914 में रशियन और जर्मन अंपायर्स में एक लड़ाई का आगाज होता है। दोनों शहनशाहों के नज़दीक ये एक मामूल की मुख्तसर सी जंग थी, ऐसी कि जर्मन शहनशाह काइजर विलियम द सेकंड ने अपनी फोर्सेस से कहा, सर्दियों से पहले जब दरख्तों के पत्ते गिरने लगेंगे तो तुम अपने घरों को लौट चुके होगे। दूसरी तरफ ज़ारे रूस की फौज को ये फिक्र दामनगीर थी कि चंद दिन की तो जंग है, फतह के बाद हमें अपनी भारी भरकम ये खुरदरी वर्दियां तो उतार ही देना है, तो क्या मामूल की स्मार्ट यूनिफॉर्म्स जिनमें हम हीरो से लगते हैं अभी से साथ रख लें, या बर्लिन पहुंचकर फतह के बाद डाक के जरिए घरों से मंगवा लें ताकि रास्ते में हमें ये बोझ ना उठाना पड़े। अब ये दोनों फोर्सेस ऐसा सोच रही थीं, लेकिन हकीकत ये थी कि इनमें से ज़्यादातर जवान वो थे जो आखिरी बार अपने घर वालों से मिल रहे थे। अब उनके घरों से कोई पार्सल नहीं आना था, बल्कि उनके जिस्मों के पार्सल्स घरों को वापस जाना थे। ये एक पतझड़ नहीं बल्कि कई खिजाएं, कई विंटर सीजन्स, कई स्नोफॉल्स, सीलन ज़दा खंदकों, ट्रेंचेस में गुजारने वाले थे, क्योंकि शहनशाहों के नज़दीक ये चंद दिन की जंग 1566 डेज तक फैलने वाली थी। वही जंग जिसे तारीख ने पहले द ग्रेट वॉर का नाम दिया और आज हम इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। मैं हूं फैसल वराइज और देखो सुनो जानो में हम आपको ब्रांड न्यू सीरीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पहली किस्त में यही कहानी दिखा रहे हैं। मैकुरस फेलोज 28 जून 1914 का दिन था। सुबह 11 बजे के करीब बोस्निया के दारुल हुकूमत सरायेवो के टाउन हॉल से एक खुली छत वाली डबल फैटन कार निकली। इस कार में ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर के वली अहद क्राउन प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रांस फ्रेडिनेंट और उनकी अहलिया डचिस ऑफ ह्यूमबर्ग सोफी बैठी थी। कार में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बोस्निया के मिलिट्री गवर्नर ऑस्कर प्यूटॉक भी बैठे हुए थे। फ्रांस फ्रेडिनेंट कुछ नाराज से थे। सुबह टाउन हॉल आते हुए उनकी कार पर दरअसल एक बम फेंका गया था। प्रिंस ने चाबक दस्ती से बम को बाजू मारकर परे तो गिरा दिया था, लेकिन बम दूर गिरने के बजाय पिछली गाड़ी पर ही जा गिरा था। इससे उन्हीं के कुछ साथी जख्मी भी हो गए थे। फ्रांस फ्रेडिनेंट इन्हीं जख्मियों की आयादत के लिए अस्पताल जा रहे थे, लेकिन गाड़ी में बैठे मिलिट्री गवर्नर को अचानक एहसास हुआ कि हम तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने का हुक्म दिया। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ने के लिए आहिस्ता की, लेकिन इससे पहले कि वो रुख मोड़ता अचानक दो फायर हुए। एक गोली प्रिंस की गर्दन को उनकी शहरग को जख्मी करते हुए निकल गई। दूसरी गोली उनकी बीवी सोफी के पेट में लगी। दोनों को फौरी तौर पर कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अचानक प्रिंस अपनी गर्दन पकड़ कर झुकने लगे। उनकी बीवी ने घबरा कर उनसे पूछा, आपको क्या हुआ? लेकिन ये कहते कहते वो खुद भी लुढ़क कर सीट से नीचे गिर गई। फ्रांस फ्रेडिनेंड ने चीख कर कहा, सोफी डियर मरना नहीं, तुम्हें हमारे बच्चों के लिए जिंदा रहना होगा। लेकिन सोफी फिर कुछ नहीं बोली। सिक्योरिटी वालों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। प्रिंस मुसलसल यही कहते रहे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कहते कहते वो खुद भी खामोश हो गए, बेहोश हो गए। जख्मी शाही जोड़े को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने फौरी मुआयने के बाद ही बता दिया कि ये दोनों तो मर चुके हैं। इस कत्ल की खबर अगले दिन जब अखबारात में छपी तो साथ ही एक बड़ी जंग की धमक भी सुनाई देने लगी, क्योंकि ये कत्ल महज दो जानों का ज़िया नहीं था, इसके पीछे एक कहानी थी। साथियों 1914 में यूरोप के नक्शे पर चार ताकतें, फोर पावर्स छाई हुई थी। ज़ारे रूस की, रशियन अम्पायर, ऑटोमन अम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर और जर्मन अम्पायर। पूरा सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप या तो इन्हीं ताकतों के कब्जे में था या इनसे अलग होने वाली छोटी छोटी कुछ और रियासतों पर मुश्तमिल था। खास तौर पर पोलैंड तो बाकायदा रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में तकसीम हो चुका था। इनके अलावा बरतानिया और फ्रांस भी उस वक्त की बड़ी ताकतें थीं, लेकिन इनकी अम्पायर्स यूरोप से बाहर थी। यूरोप के सेंटर में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी अंपायर थी, जिसमें हंगरी, चेक रिपब्लिक और स्लोवेकिया समेत कई यूरोपीय ममालिक शामिल थे। लेकिन इस अंपायर के साथ एक मसला था, वो ये कि इसके जनूब में, साउथ में और मशरक में, ईस्ट में कई नए ममालिक उभर चुके थे, जैसा कि सर्बिया, रोमानिया वगैरह। ये सब ऑटोमन अंपायर से आज़ाद हुए थे। इनमें सर्बिया के लोग स्लाविक नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और ऑस्ट्रेलियन अंपायर में भी मेजोरिटी स्लाविक्स ही की थी।
इसीलिए सर्बिया की ख्वाहिश थी कि ऑस्ट्रियन अंपायर के स्लाविक नस्ल वाले सारे इलाके सर्बिया में शामिल करके एक ग्रेटर सर्बिया कायम किया जाए, जिसे वो योगोस्लाविया का नाम देते थे। योगोस्लाविया का मतलब था साउथ स्लाविक लोगों की सरजमीन। तो ग्रेटर सर्बिया या योगोस्लाविया के ड्रीम को पूरा करने के लिए सर्बों का पहला टारगेट ऑस्ट्रियो-हंगेरियन अंपायर का इलाका बोस्निया था। यह इलाका 1878 में ऑस्ट्रिया ने उस्मानियों से छीना था और फिर 1907 में इसे बाकायदा अपनी अंपायर में जम कर लिया था, शामिल कर लिया था। ऑस्ट्रिया के इस इकदाम पर सर्बिया ने एहतजाज भी किया था। सर्बिया के अंदर ऑस्ट्रिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया था। सर्ब नेशनलिस्ट ने बोस्निया को ऑस्ट्रो-हंगेरियन अंपायर से अलग करने के लिए एक अंडरग्राउंड मूवमेंट भी शुरू कर दी थी। इस तहरीक का मरकजी ग्रुप ब्लैक हैंड था, जो सर्ब इंटेलिजेंस की सरपरस्ती में सर्बिया में ही कायम किया गया था। इनका लोगो एक बहुत ही खतरनाक सा निशान था, जिस पर एक खोपड़ी, हड्डियां, जहर की एक बोतल, चाकू और बम बना हुआ था। यानी ये ग्रुप कायम ही मुसल्ला जदोजहद के लिए, आर्म स्ट्रगल के लिए किया गया था। इस ग्रुप की एक ब्रांच यंग बोस्निया कहलाती थी, जिसमें बोस्निया में रहने वाले सर्ब नौजवान, खासतौर पर टीनेजर्स के जो लड़के हैं वो शामिल थे। ये जज्बाती किस्म के नौजवान सर्ब इंटेलिजेंस की मदद से बोस्निया में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते थे। ऑस्ट्रिया के वलीअहद के कत्ल का मंसूबा भी इसी ग्रुप ने तैयार किया था। जिस पिस्टल से शाही जोड़े पर गोलियां चलाई गई थी, वो भी सर्ब इंटेलिजेंस ने ही इन्हें फराहम किया था। इस किलिंग प्लॉट में, इस असैसिनेशन प्लॉट में कुल 6 कातिल शामिल थे, जिन्हें कई मुकामी लोगों की मदद भी हासिल थी। प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी अहलिया जिस शख्स की गोलियों का निशाना बने, वो एक 19 साला सर्ब स्टूडेंट गवरीलो प्रिंसेप था। इसे फायरिंग के बाद मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ये दोस्तों जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसे अक्सर गलत तौर पर समझा जाता है कि ये कातिल गवरीलो की गिरफ्तारी की तस्वीर है, लेकिन असल में ये इस जगह एक और मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी की पिक्चर है। असल कातिल गवरीलो की नहीं है। बहरहाल दोस्तों, गवरीलो पकड़ा तो गया था, लेकिन इसे सजाए मौत नहीं दी गई, क्योंकि ऑस्ट्रियन लॉ के मुताबिक 20 बरस से कम उम्र शख्स को सजाए मौत नहीं दी जा सकती थी। चुनाचे गवरीलो को 20 बरस कैद की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। ताहम वो टीबी का मरीज था और 4 बरस बाद जेल ही में कुदरत का हाथ उसे जिंदगी से आजाद बहरहाल कर गया था। 2015 में सर्बिया के प्रेसिडेंट तोमिस्लाव निकोलिच ने बलग्राद में गवरीलो के मुजस्मे की नकाब कुशाई भी की थी और इसे कौमी हीरो करार दिया था। साथियों, ऑस्ट्रिया के वलीअहद और उनकी बीवी का कत्ल एक ताकतवर अंपायर के लिए, ऑस्ट्रो-हंगेरियन अंपायर के लिए गैर मामूली बात थी, क्योंकि बहरहाल इसी शख्स ने बाद में शहनशाह बनना था। फिर इनके 3 कमसिन बच्चे भी यतीम हो चुके थे। पूरी अंपायर में सोग मनाया जा रहा था। 4 जुलाई को वियना में शाही जोड़े की आखिरी रसूमात अदा की गईं। हजारों लोगों ने उनका आखिरी दीदार किया। फिर इनके ताबूत वियना से 122 किलोमीटर दूर आर्टिस्टेटन कासल ले जाकर दफन कर दिए गए। ऑस्ट्रिया के लिए ये तारीखी सानहा था और ये हादसा सर्ब इंटेलिजेंस की मदद से पेश आया था। ऑस्ट्रियन अंपायर इंतकामन अब सर्बिया को तबाह कर देना चाहती थी। आप इस प्रोपेगेंडा कार्टून को देखें, जिसमें नजर आ रहा है कि सर्बिया के हाथ में बम और चाकू है और इसे ऑस्ट्रिया का हाथ कुचल रहा है, जबकि साइड पर लिखा है कि सर्बिया को जरूर मर जाना चाहिए। यह कार्टून ऑस्ट्रिया के मूड को पूरी तरह जाहिर कर रहा है। लेकिन इस खतरनाक मूड के बावजूद ऑस्ट्रिया फौरी तौर पर सर्बिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वजह यह थी कि सर्बिया भले ही छोटा और कमजोर सा मुल्क था, लेकिन वो रूस जैसी ताकतवर अंपायर का दोस्त था। रशियन अंपायर ने खुद को ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, जिसमें यूरोप का खित्ता बलकान भी शामिल था, इसकी तमाम ऑर्थोडॉक्स मसीही आबादी का प्रोटेक्टर, मुहाफिज डिक्लेयर कर रखा था। सर्बिया भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन था, जबकि ऑस्ट्रियन अंपायर के हुक्मरान कैथोलिक थे। इसलिए रूस सर्बिया का फितरी इत्तेहादी था। इनका इत्तेहाद कितना गहरा था, इसका अंदाज़ा यूं लगाएं कि 1878 में रूस ने ही सर्बिया को उस्मानी तुर्कों से आज़ादी दिलवाई थी। अगर इसे मजीद सादा अल्फाज में आपके सामने रखें तो यूरोप में उस वक्त 2 बड़े वाजे फौजी इत्तेहाद थे। पहला इत्तेहाद रूस, फ्रांस और बरतानिया का था, जिसे ट्रिपल ऑन्टांट या 3 कौमी इत्तेहाद कहा जाता था। दूसरा इत्तेहाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का था, जिसे ट्रिपल अलायंस कहा जाता था। तो मिलिट्री अलायंस की इस पेचीदा से खेल में ये तय था कि किसी भी 2 मुल्कों की लड़ाई सब मुल्कों को इसमें खींच लाएगी। इसके इत्तेहादी और दुश्मन दोनों को उस जंग में कूदना पड़ेगा, जो भले उसकी वजह से शुरू हुई थी या नहीं।
जैसा कि उस वक्त छपने वाले इस कार्टून में भी खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर सर्बिया पर ऑस्ट्रिया हमला करेगा तो ऑस्ट्रिया पर रूस करेगा, रूस पर जर्मनी करेगा और इनके पीछे फ्रांस और बर्तानिया भी दौड़े चले आएंगे। यानी ये सब महसूस कर रहे थे कि लड़ाई किसी भी वजह से शुरू हुई, तमाम आलमी ताकतें इसमें कूदने पर मजबूर होंगी, एक ग्रेट वॉर शुरू हो जाएगी। आप सितम ज़रीफ़ी तो देखिए कि बर्तानिया के बादशाह किंग जॉर्ज फाइव, जर्मनी के शहनशाह काइज़र विल्हेम सेकंड और रूस के हुक्मरान ज़ार निकोलस टू आपस में कज़न्स थे। तीनों की ब्लड लाइन्स माँ या बाप की तरफ से साबिक मलका बर्तानिया क्वीन विक्टोरिया से मिलती थी, लेकिन ये रिश्तेदारी भी दोस्तों हालात का रुख मोड़ने में नाकाम रही थी। दोस्तों ये था वो बैकग्राउंड जिसमें ऑस्ट्रिया अपने शाही जोड़े के कत्ल का इंतकाम सर्बिया से लेने के लिए जर्मनी की मदद चाह रहा था। यानी अगर रूस सर्बिया को बचाने आएगा तो जर्मनी उसके रास्ते में खड़ा हो जाएगा। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को यकीन दिला दिया कि रूस के साथ जंग हुई तो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। इस जवाब से ऑस्ट्रिया के बूढ़े शहनशाह फ्रांस जोसेफ वन मुतमईन हो गए। अब वो सर्बिया को सबक सिखाने के लिए आज़ाद थे। यहाँ आपको दोस्तों ये भी बता दें कि आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जिनका कत्ल हुआ था वो बड़े पुरम शख्स थे। वो हमेशा जंग से दूर रहने की बात किया करते थे। वो तो स्लाविक नस्ल के लोगों यानी सर्बों और दूसरी कम्युनिटीज से भी हमदर्दी रखे हुए थे। ऑस्ट्रिया में बादशाह के अंडर जो पार्लिमानी गवर्नमेंट कायम थी उसमें वो स्लाविक लोगों की ज़्यादा नुमाइंदगी चाहते थे। यानी देखा जाए तो सर्बों ने सिर्फ एक क्राउन प्रिंस को ही कत्ल नहीं किया था बल्कि एक ऐसी आवाज़ को खामोश कर दिया था जो यूरोप को आलमी जंग से बचा सकती थी और उनकी इत्तेहादी थी। तो इसके बाद दोस्तों अब वही होना था जो पुरम लोगों के कत्ल के बाद होता है, यानी एक वर्ल्ड वॉर। जंग का आगाज सख्त वार्निंग्स और अल्टीमेटम्स से हुआ। 23-23 जुलाई को जुमे के रोज बलग्राद में ऑस्ट्रियन सफीर ने सर्ब वजीर खारजा को अल्टीमेटम का डॉक्यूमेंट थमा दिया। इस डॉक्यूमेंट में मुतालबा किया गया था कि ऑस्ट्रियन शाही जोड़े के कत्ल में मुलविस तमाम लोगों को सख्त सजा दी जाए। ऑस्ट्रिया के खिलाफ काम करने वाली तमाम अंडरग्राउंड तहरीकों पर क्रैकडाउन शुरू किया जाए। ऑस्ट्रिया के खिलाफ तमाम प्रोपेगेंडा बंद कर दिया जाए। प्रोपेगेंडे में शामिल तमाम सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरहद पार यानी ऑस्ट्रियन इलाके में हथियारों की सप्लाई बंद की जाए। सर्बिया को इस अल्टीमेटम का जवाब देने के लिए 48 घंटों का वक्त दिया गया। इस अल्टीमेटम के साथ ही ऑस्ट्रिया ने जंग की तैयारी भी शुरू कर दी ताकि दबाव रखा जा सके। आर्मी और नेवी को मोबालाइज करना भी शुरू कर दिया गया। कम अज कम 3 ऑस्ट्रेलियन बहरी जंगी जहाज़ों ने यूरोप के मशहूर जमाना डेन्यूब रिवर में पोजिशन संभाल ली थी। डेन्यूब रिवर यूरोप का दूसरा बड़ा दरिया है जो जर्मनी से शुरू होकर ब्लैक सी तक जाता है। रास्ते में ये ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना और सर्बियन कैपिटल बलग्राद से भी गुजरता है। तो ये जहाज डेन्यूब रिवर में सफर करते हुए ऑस्ट्रियन एम्पायर से सर्बिया में दाखिल होकर बलग्राद के करीब पहुंच गए थे और बमबारी के लिए तैयार थे। सर्बिया के पास इन्हें रोकने का कोई इंतजाम नहीं था। ऑस्ट्रिया के तकरीबन 360,000 फौजी भी सर्बियन बॉर्डर के करीब पहुंच चुके थे। ऑस्ट्रिया के मुकाबले में सर्बिया के पास दोस्तों महज 20,000 या इससे भी कम सिपाही मौजूद थे। ये फौज ऑस्ट्रिया का मुकाबला करने के लिए तो नाकाफी थी, लेकिन सर्बिया को एक तो अपने इत्तेहादी रूस पर बड़ा भरोसा था, फिर इसने अपने तौर पर भी बड़े पैमाने पर भर्तियां करके लाखों रजाकारों को तैयार कर लिया था। मतलब सर्बिया मुकाबले के मूड में तो था। ताहम इसने ऑस्ट्रिया का अल्टीमेटम बिल्कुल ही मुस्तरद नहीं कर दिया बल्कि इसका एक गोलमोल सा जवाब भेजा। सर्बियन हुकूमत के जवाब में कहा गया था कि हम ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ दोस्ताना ताल्लुकात तो चाहते हैं, हम ऑस्ट्रिया हंगरी के वो तमाम मुतालबात मानेंगे जिनके जरिए हमसाया मुल्कों में क्राइम्स और अनरेस्ट को रोकने में मदद मिल सके। एक सिविलाइज्ड स्टेट महज़ब रियासत के तौर पर ये सर्ब हुकूमत की यानी हमारी जिम्मेदारी है कि वो पूरे खलूस के साथ ऑस्ट्रिया से दोस्ताना ताल्लुकात के लिए हर मुमकिन कदम बढ़ाए। अब दोस्तों बज़ाहिर ये जवाब अच्छा था, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि जिन तंजीमों और सरकारी अफसरान के खिलाफ ऑस्ट्रिया ने कार्रवाई की डिमांड की है उन पर कोई क्रैकडाउन होने वाला है या नहीं। चुनाचे ऑस्ट्रेलिया ने इस जवाब को मुस्तरद कर दिया और सर्बिया से सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। सूरत हाल और बिगड़ने लगी। 27 जुलाई के रोज़ ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। अगले रोज़ 28 जुलाई को 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दी, ऐलान जंग कर दिया। बलग्राद में सर्ब हुकूमत को ऐलान जंग के डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। सर्बिया पर हमला शुरू हुआ तो इसके इत्तेहादी रूस ने भी अपनी फौज को मूव करना शुरू कर दिया।
इससे पहले अब के रूस हमला करता, यकम अगस्त को जर्मनी ने रूस पर वॉर डिक्लेयर कर दी। रूस के उस वक्त के दारुल हुकूमत सेंट पीटर्सबर्ग में जर्मन सफीर काउंट फ्रेडरिक ने रशियन वजीर खारजा सरगई सेजोनोव को डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हवाले कर दिया। रूसी वजीर खारजा ने सफीर से कहा, ये जंग शुरू करने पर हर कौम तुम्हें अब लानत मलामत करेगी। कहते हैं ये बात सुनकर और इस बात की शिद्दत महसूस करके जर्मन सफीर कम से रोने लगे, क्योंकि जानते तो वो भी थे कि जंग शुरू करना आसान है लेकिन यह ख़त्म कैसे होगी ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन जाहिर है वो जंग को रोक तो नहीं सकते थे, सो जंग तो हुई। दो रोज़ बाद दोस्तों 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पर भी वॉर डिक्लेयर कर दी। जर्मनी के फ्रांस और रूस पर हमले के बाद इन दोनों का इत्तेहादी बरतानिया भी अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। अगले रोज 4 अगस्त को बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। 5 अगस्त को ऑस्ट्रिया ने रूस के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मतलब सिर्फ एक हफ्ते में पूरा यूरोप ही गुत्थम गुत्था हो चुका था। बस एक इटली था जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया का अहम तरीन इत्तेहादी होने के बावजूद न्यूट्रल रहा, गैर जानिबदार रहा। यह इन दोनों ताकतों के लिए एक बड़ा झटका था, ताहम इन्होंने इस पर कोई फौरी एक्शन नहीं लिया और लड़ाई जारी रखी, क्योंकि इन्हें अपनी जल्द फतह का पूरा कामिल यकीन था। दोस्तों जल्द जंग के खात्मे की हाई होप्स के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पहली गोली चल चुकी थी, लेकिन जंग के शुरू में ही ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा ब्लंडर कर दिया। वो यूं के जंग शुरू होने से 1-2 दिन पहले सर्बियन फौज के कमांडर फील्ड मार्शल रडोमिर प्योटनिक सर्बिया नहीं बल्कि किसी वजह से ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर के शहर बुडापेस्ट में मौजूद थे, जो अब हंगरी में है। वो जल्द अज जल्द अपनी फौज की कमान के लिए सर्बिया पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जनरल प्योटनिक बहुत तजुर्बाकार और मंझे हुए कमांडर थे। अगर उन्हें कैद रखा जाता तो मुमकिन था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्बिया को हराना बहुत आसान हो जाता और वो जंग जिसे वो जल्द ख़त्म करना चाहते थे मुमकिन है जल्दी ख़त्म भी हो जाती। लेकिन ऑस्ट्रियन शहनशाह एम्परर जोसेफ ने हाथ आए दुश्मन को रिहा कर दिया, बल्कि उन्हें सर्बिया वापसी के लिए महफूज रास्ता भी फ्राहम किया। ऐसा शायद उन्होंने इस असूल की बुनियाद पर किया था कि घर आए मेहमान को गिरफ्तार करना कोई बहादुरी नहीं, भले वो दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन ये असूल पसंदी उन्हें हकीकत में बहुत महंगी पड़ी। जनरल प्योटनिक सर्बिया वापस पहुंचे और अपनी फौज की कमान संभाल ली, और ऐसी संभाली कि बाहर कमजोर सर्बियन आर्मी ऑस्ट्रेलियन फौज के सामने, ऑस्ट्रेलियन अंपायर की फोर्सेस के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई। सबसे पहले तो दरिया ड्यूब में तैनात ऑस्ट्रेलियन बहरी जहाजों ने बलग्राद पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू की। इसके बाद जमीनी फौज ने कई मुकामात से सर्बिया की सरहद पार कर ली। ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी ताकत के मुकाबले में सर्बिया की फतह का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन सर्बियंस ने हर महाज पर हमलावर ऑस्ट्रेलियन आर्मी को टफ टाइम देना शुरू कर दिया। सबसे अहम लड़ाई बोस्निया के बॉर्डर्स के करीब सर्बिया के पहाड़ी सिलसिले सीआर माउंटेन्स में लड़ी गई। 15 से 24 अगस्त तक जारी रहने वाली इस लड़ाई में सर्बों ने ऑस्ट्रियन फोर्सेज को अपसेट शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रिया के 2 लाख हमलावर फौजियों में से 10,000 मारे गए, 30,000 जख्मी और 4,500 गिरफ्तार हो गए। सर्बिया के 1,80,000 सिपाहियों में से 5,000 सोल्जर्स हलाक हुए, जबकि 15,000 जख्मी हुए। इस अपसेट शिकस्त ने ऑस्ट्रिया का सर्बिया को फौरी हराने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। इसके बाद सर्बों ने तमाम अंदरूनी महाजों पर भी ऑस्ट्रियन फोर्सेस को मार मार कर अपने मुल्क से निकाल बाहर किया। अगले माह सितंबर में ऑस्ट्रेलियंस ने बोस्निया वाले बॉर्डर से फिर हमला किया। उन्होंने रास्ते में एक दरिया दरियाए ड्रिना को अबूर किया और कुछ फौजी कामयाबियां भी हासिल कर ली, लेकिन इसके बाद सर्बों ने उन्हें फिर शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रियन फौज दूसरी बार भी बोस्निया की तरफ पसपा हो गई। तकरीबन 1 माह तैयारी के बाद उन्होंने 24 अक्टूबर को दोबारा हमला किया। ये हमला पहले 2 हमलों के मुकाबले में ज्यादा कामयाब रहा। ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने सर्बिया में जबरदस्त पेशकदमी की। 2 नवंबर 1914 के रोज उन्होंने दारुल हुकूमत बलग्राद पर कब्जा कर लिया। सर्ब फोर्सेस बलग्राद से पसपा हो गईं। ताहम उन्होंने कुछ दिन के बाद काउंटर अटैक लॉन्च किया। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक, 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक दरियाए कलोबारा के किनारे जबरदस्त जंग। इस जंग में 30,000 ऑस्ट्रेलियन और 22,000 सर्बियन फौजी हलाक हुए, लेकिन ये जंग सर्बों की शानदार फतह पर खत्म हुई। सर्बों ने 76,000 ऑस्ट्रेलियंस को गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद उन्होंने बलकरात का कब्जा भी वापस ले लिया और दिसंबर के आखिर तक ऑस्ट्रेलियंस को एक बार फिर सर्बिया से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया। यही नहीं बल्कि बलग्राद के करीब ही दोस्तों कुछ ऑस्ट्रेलियन सरहदी इलाकों पर भी सर्बों ने कब्जा कर लिया। साथियों, ऑस्ट्रेलियंस की ये शिकस्तें बहुत ही जिल्लत आमेज थी। इनका एक बड़ी ताकत होने का भरम टूट चुका था। उन्होंने परेशान होकर अपने इत्तेहादी जर्मनी से मदद मांग ली। जर्मनी की फौजी मदद और कई माह की मजीद तैयारियों के बाद उन्होंने अक्टूबर 1915 में दोबारा सर्बिया पर चढ़ाई कर दी, यानी अगले साल। जर्मन फील्ड मार्शल ऑगस्ट मैकेंसन इनकी कमान कर रहे थे। इस बार सर्बिया का नाराज हमसाया मुल्क बल्गारिया भी उनके साथ था। इस पर एलाइड पावर्स ने ये प्रोपेगेंडा कार्टून्स भी शाया किए कि बल्गारिया ने सर्बिया की पीठ में दरअसल खंजर घोंप दिया है। तो खैर दोस्तों, तीनों मुल्कों का मुश्तरका हमला कामयाब रहा। सिर्फ तीन माह में, यानी जनवरी 1916 तक, 1916 तक कैपिटल बलग्राद समेत पूरा सर्बिया अब ऑस्ट्रियो हंगेरियन अम्पायर और उनके इत्तेहादियों के कब्जे में आ चुका था। सर्बियन फौज शदीद नुकसानात उठाने के बाद हमसाया मुल्क अल्बानिया के पहाड़ों से यूनान की तरफ पसपा हो गई थी। यूनान उस वक्त तक जंग में गैर जानबदार था, लेकिन उसने सर्बियन फोर्सेज को अपने मुल्क में पनाह दे दी। तो खैर, सर्बिया को फतह करने के बाद इसके सारे इलाके को ऑस्ट्रियन और बल्गेरियन ऑक्यूपेशन जोन में तकसीम कर दिया गया। ये जो ग्रे एरिया में आपको इलाका नजर आ रहा है, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर के कंट्रोल में चला गया, जबकि ग्रीन एरिया बल्गारिया के पास था। मतलब सर्बिया का किस्सा 1916 के जनवरी में खत्म हो गया। लेकिन सर्बिया तो दोस्तों ग्रेट वार का एक माइनर सा, छोटा सा प्लेयर था। असल मुकाबला तो बड़े खिलाड़ियों में था, जो कि वेस्टर्न फ्रंट पर अब हो रहा था। जर्मनी का शिल्फन प्लान अपने फुल स्विंग में था। इस प्लान के मुताबिक फ्रांस पर 40 रोज 40 डेज में मुकम्मल कब्जा करके जंग खत्म कर दी जाना थी। तो इस शिल्फन प्लान का क्या हुआ और यह प्लान था क्या? माइक्रोसेलोस जर्मनी के एक फील्ड मार्शल थे, अल्फ्रेड वॉन शिल्फन। वो 1891 से 1906 तक, 1891 से 1906 तक जर्मन फोर्सेस के कमांडर रहे थे। उन्होंने फ्रांस पर कब्जे के लिए एक जबरदस्त जंगी मंसूबा तैयार करके रखा हुआ था। आप जानते हैं कि दुश्मन ममालिक के खिलाफ, बल्कि दोस्तों के खिलाफ भी वॉर प्लान्स अमन के दिनों में भी बन रहे होते हैं। तो ऐसा ही एक मंसूबा कमांडर शिल्फन ने तैयार किया था, जो उन्हीं के नाम पर शिल्फन प्लान कहलाता था। मंसूबा यह था कि जर्मन फोर्सेज फ्रांस के बॉर्डर पर बराह रास्त हमला नहीं करेंगी, बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, शुमाल मशरकी तरफ से बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में दाखिल हुआ जाएगा। यह हमला इस तेज रफ्तारी से किया जाएगा कि फ्रांसीसी फौज के संभलने से पहले ही जर्मन फोर्सेज पेरिस पहुंच जाएंगी और कैपिटल का कंट्रोल संभाल लेंगी। इस तरह पेरिस के मशरक में जर्मनी के बॉर्डर तक फैली हुई सारी फ्रांसीसी फौज जर्मनों के घेरे में आकर तबाह हो जाएगी। यानी अगर सब कुछ इस मंसूबे के मुताबिक हो तो जर्मन तेज रफ्तारी से फैसला कुन फतह हासिल कर लेंगे, जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी और फौजी नुकसान भी कम से कम होंगे। तो यह प्लान जनरल शिल्फन ने बनाया था, लेकिन बात यह थी कि 1914 में, 1914 में यह प्लान तो जिंदा था, शिल्फन खुद वफात पा चुके थे। सो नए कमांडर्स ने इनके प्लान में थोड़ी सी तब्दीली कर ली। वो ये कि ओरिजिनल प्लान के तहत नीदरलैंड पर भी कब्जा किया जाना था, लेकिन प्लान जो तब्दील किया गया उसमें नीदरलैंड पर कब्जे का हिस्सा ही निकाल दिया गया। इसके बजाय फ्रांस की सरहद पर छोटे से मुल्क लक्समबर्ग और बेल्जियम से हमले का मंसूबा बनाया गया। इस तरमीम शुदा शिल्फन प्लान के तहत 2 अगस्त के रोज जर्मन फौज ने लक्समबर्ग पर कब्जा कर लिया। इस दौरान उन्होंने बेल्जियम को भी अल्टीमेटम अरसाल कर दिया कि जर्मन फोर्सेज को बेल्जियम से गुजरने की इजाजत दे दी जाए। अगर यह इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने कहा फिर हम सख्त कार्रवाई पर मजबूर होंगे, यानी ताकत इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साथियों, बेल्जियम के बादशाह अल्बर्ट वन ने जर्मनी को रास्ता देने से इनकार कर दिया। माइक्रोसेलोस बेल्जियम इस जंग में एक न्यूट्रल मुल्क था और इसकी न्यूट्रलिटी की गारंटी दरअसल बरतानिया ने दे रखी थी। यानी बेल्जियम पर अगर कोई हमला करेगा, उसकी न्यूट्रलिटी खत्म करने की कोशिश करेगा, तो उसे बरतानिया से लड़ाई करना होगी, जंग करना होगी। तो अब बेल्जियम ने जर्मनी को इनकार करते ही बरतानिया से मदद मांग ली। इतने में जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर करके अपनी फोर्सेज बेल्जियम में दाखिल कर दी थी। इसके नतीजे में अब बरतानिया को भी ऐलान जंग करना पड़ा था, जो अभी चंद मिनट पहले हम आपको बता चुके हैं। दरअसल उसके पीछे यही वाकया। फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होते ही जर्मन फौज ने इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ शिल्फन प्लान पर अमल शुरू कर दिया। तब्दील शुदा प्लान के मुताबिक, आपके दोस्तों जहन में रहे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई थी तो टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और तेज़ रफ्तार फौजी ट्रक अभी मिलिट्रीज के इस्तेमाल में नहीं आए थे।
ज़्यादातर फौजी दस्ते पैदल सफ़र करते थे या फिर घोड़ों को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारी तोपें और मशीन गन्स खींचने के लिए भी घोड़ों, गधों, हत्ता के कुत्तों तक को इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा ट्रेनें भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होने लगी थीं, लेकिन इनकी रेशो काफ़ी कम थी क्योंकि रेलवे ट्रैक्स हर जगह थोड़ी थे। तो साथियों, अगर जर्मन फौज के पास तेज़ रफ्तार गाड़ियां होती तो शायद शिलीफन प्लान उसी तरह चलता जैसा कि इसे सोचा गया था, लेकिन ट्रांसपोर्ट के जदीद ज़राए ना होने की वजह से इनका प्लान शुरू ही में सुस्त पड़ गया। जब जर्मन फौज फ्रांस की तरफ बढ़ने के लिए बेल्जियम पर हमलावर हुई तो बेल्जियन आर्मी से उनकी पहली बड़ी लड़ाई लीज शहर में। इस शहर के गिर्द बेल्जियम फोर्सेस ने कम से कम 16 मजबूत किले बना रखे थे, 16 फोर्टस थे। इन तमाम किलों में भारी तोपें नस्ब थी। 5 अगस्त से 16 अगस्त तक बेल्जियन फोर्सेज ने जर्मनों का डटकर मुकाबला किया। दोनों तरफ से हजारों सिपाही मारे गए। जर्मनों ने शहर पर एयरशिप्स, जिन्हें जेपलिन भी कहा जाता था, उनसे भरपूर फिजाई हमले किए। 11 रोज की शदीद लड़ाई के बाद आखिर जर्मनों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जर्मन फोर्सेस आगे बढ़ी और बेल्जियम के एक और बड़े इलाके पर कब्जा करने में कामयाब हो गई। लेकिन इस दौरान बरतानवी फौज भी फ्रांस के रास्ते बेल्जियम में दाखिल हो चुकी थी। फ्रेंच, ब्रिटिश और बेल्जियन फोर्सेस ने जनूबी बेल्जियम से लेकर पूरे जर्मन बॉर्डर के साथ बड़े पैमाने पर अब अटैक्स लॉन्च कर दिए थे। इस लड़ाई को बैटल ऑफ द फ्रंटियर्स कहा जाता है। तहम जर्मन फोर्सेस तमाम हमलों को पस्पा करते हुए फ्रांस में कामयाबी से दाखिल हो गईं। बल्कि बेल्जियम के शहर मॉन्स में तो बरतानवी फौज का एक मुकाबला जर्मनों से हुआ और ब्रिटिश को बुरी तरह शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अब सूरत हाल ये थी कि बेल्जियम वाली साइड से बरतानवी और फ्रांसीसी फौजें शिकस्त खाकर तेजी से फ्रांस में पस्पा होती जा रही थी। पीछे हटने के इस अमल को उस वक्त के लिहाज से द ग्रेट रिट्रीट या अजीम पस्पाई का नाम भी दिया जा रहा था। जर्मन फोर्सेस इस रिट्रीट करती हुई फोर्स के ताकुब में 250 किलोमीटर फ्रांस के अंदर तक आ गए। जल्द ही वो पेरिस से तकरीबन 40 किलोमीटर मशरक में खड़े हो गए। बेल्जियम के रास्ते के अलावा जर्मन फोर्सेस अपने मुल्क के बॉर्डर से भी फ्रांस में दाखिल हो चुकी थी। अब जंग का नक्शा कुछ यूं था कि पेरिस से लेकर स्विट्जरलैंड, जो कि फ्रांस और जर्मनी के दरमियान वाकया है और जंग में न्यूट्रल था, वहाँ तक जर्मन फोर्सेज फैल चुकी थी। इनके मध्य मुकाबल फ्रांसीसी फौज थी, जिसने दिफाई पोजीशन ले ली थी। जबकि नक्शे के मुताबिक आप देखें, इस जगह पर बरतानवी फौज भी मौजूद थी। यूं लगता था दोस्तों कि पेरिस वाकई 40 रोज 40 डेज में जर्मनों के हाथों में होगा, जिसका दूसरा मतलब ये था कि फ्रांसीसी और अंग्रेज फौज जर्मनों के घेरे में आ जाएगी, जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं। इसके बाद या तो एलाइड पावर्स सरेंडर पर मजबूर हो जाती या फिर उनकी पूरी फौज ही तबाह हो जाती। यहाँ एक बात आपको मुसलसल मद्देनजर रखना है कि जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और उनके दोस्त ममालिक को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स कहा जाता था, जबकि बरतानिया, फ्रांस और रूस अपने साथियों समेत एलाइड पावर्स कहलाते थे। तो इस पूरी सीरीज़ में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सीरीज़ में, जहाँ भी हम सेंट्रल पावर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो इससे हमारी मुराद जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और उनके दोस्त ममालिक होंगे। जबकि जहां एलाइड पावर्स का जिक्र आएगा तो इसका मतलब बरतानिया, फ्रांस, रूस और उनके इत्तेहादी ममालिक होंगे। तो अब ऐसा था कि सेंट्रल फोर्सेस यानी जर्मन फोर्सेस जिस हद तक आगे बढ़ चुकी थीं, ये फ्रांस और बरतानिया यानी एलाइड पावर्स के लिए दिल दहला देने वाली सूरत हाल थी। इनकी फोर्सेस का मोराल डाउन था, लेकिन इस मौके पर बुलंद मोराल वाले जर्मनों से एक बुलंद गलती हो गई, ऐसी गलती जिसने लड़ाई का पांसा पलट दिया। हुआ ये कि पेरिस के इतना करीब पहुंचकर जर्मनों ने अपनी फौजी पोजीशंस में कुछ रद्दोबदल कर लिया। इसका नतीजा ये निकला कि जर्मन फोर्सेस की पोजीशंस के दरमियान इस जगह पर, जो कि आप नक्शे में देख रहे हैं, एक बड़ा सा गैप बन गया, तकरीबन 50 किलोमीटर का गैप, 50 किलोमीटर का। इस वैक्यूम में, खाली जगह में, कुछ ही जर्मन फौजी दस्ते थे जो इस गैप को दुश्मन के जवाबी हमले से बचाने के लिए नाकाफी थे। अब हुआ ये कि एलाइड पावर्स को, दुश्मन को जल्द ही इस गैप का पता चल गया। वो इस तरह कि उस दौर में हवाई जहाज इजाद हो चुके थे, फ्रेंच फोर्सेस के पास बहुत से छोटे पंखों वाले तैयारे, टर्बो तैयारे मौजूद थे। इन तैयारों को वो दुश्मन की जासूसी के लिए इस्तेमाल करते थे। इन्हीं तैयारों ने दुश्मन की सफ़ों में, सेंट्रल पावर्स की सफ़ों में मौजूद इस गैप को देख लिया था और इसकी तस्वीरें बनाकर अपनी हाई कमान को भेज दी थी। फ्रेंच और ब्रिटिश कमांडर्स ने दुश्मन की इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाने का फैसला किया और अपनी फोर्सेस को इस गैप में दाखिल कर दिया। इस हमले को दोस्तों फर्स्ट बैटल ऑफ द मान या दरिया मान की पहली जंग कहा जाता है।
एलाइड फोर्सेस ने इस खला में मौजूद थोड़ी सी जर्मन फोर्सेस को बुरी तरह रौंद डाला। इसके बाद उन्होंने गैप की राइट साइड पर यानी पेरिस से दूर वार्डन कस्बे की तरफ तैनात जर्मन फोर्सेस पर भी हमले शुरू कर दिए। इसके साथ ही कई एलाइड पावर्स के दस्ते शुमाल की जानिब यानी जर्मन फौज के बिल्कुल पीछे द्रय मॉर्न के पुलों पर काबिज हो गए। अगर ये दस्ते दरिया के साथ दोनों जानिब फैल जाते जैसा कि आप नक्शे पर देख रहे हैं तो जर्मन फोर्सेस उनके घेरे में आ जाती, यानी एलाइड फोर्सेस को एलाइड पावर्स को घेरने की कोशिश में जर्मन अब खुद घेरे में आने ही वाले थे। जर्मनों के पास दोस्तों इस मुश्किल से बचने का अब एक ही तरीका था कि वो फौरी तौर पर पेरिस पर कब्जा करें और दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दें, क्योंकि इत्तेहादियों की सारी सप्लाईज तो पेरिस से ही आ रही थी। तो इस शहर के जर्मनों के कंट्रोल में जाने का मतलब था कि फ्रांस में फैली हुई एलाइड पावर्स पैरालाइज हो जाएंगी। पेरिस के मशरक में फर्स्ट जर्मन आर्मी मौजूद थी और ये शहर उनके करीब ही था। इसके मुकाबले पर पेरिस का दिफा फ्रांस की 6th आर्मी कर रही थी। जर्मन फोर्सेस ने इस फ्रेंच आर्मी पर भरपूर हमला किया और लगता था कि वो उसकी सफ़ें तोड़कर अब किसी भी लम्हे पेरिस में दाखिल हो जाएंगे। पेरिस को ख़तरे में देखकर 2 सितंबर को फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपना तमाम हुकूमती अमला पेरिस से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर इस शहर बोर्डो में मुंतकिल कर दिया, यानी हुकूमत ही शहर से फरार हो गई। शहर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। लेकिन दोस्तों शहर के फौजी गवर्नर जोसेफ गिलियानी ने एक ऐसा काम किया जिसने पेरिस को तबाही से बचा लिया। हुआ ये कि महाज से मुसलसल ये खबरें आ रही थीं कि जर्मन फोर्सेस कामयाब होने वाली हैं, हमें मदद भेजो, यानी मजीद फोर्सेस को जल्दी से जल्दी महाज पर भेजा जाए। अब ऐसा था कि शहर में कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट तो थी नहीं, लेकिन 600 टैक्सियाँ ज़रूर मौजूद थीं। इसके अलावा कुछ ट्रक नुमा गाड़ियाँ थीं और ट्रेनें भी मौजूद थीं। गिलियानी ने टैक्सी ड्राइवर्स को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर पेरिस से फौजियों को महाज पर मुंतकिल करना शुरू कर दें। इसके अलावा कुछ ट्रक नुमा गाड़ियों से भी फौजियों को भेजना शुरू कर दिया गया। तो अब टैक्सी ड्राइवर्स ने 4-4, 5-5 फौजियों को अपनी गाड़ियों में बिठाकर महाज़े जंग पर पहुंचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते तकरीबन 6,000 सिपाही 1-2 रोज़ के अंदर ही मैदान जंग में पहुँच गए और बर वक्त पहुँचे। इनकी आमद के साथ ही दुश्मन की पेशकदमी, सेंट्रल पावर जर्मनी की पेशकदमी रुक गई। 40 रोज में पेरिस पर कब्जे का श्लीफन प्लान नाकाम हो चुका था। दोस्तों पेरिस की टैक्सी से फौज की मुंतकली की याद में आज भी फ्रेंच कैपिटल में ये टैक्सियां चलाई जाती हैं। ये समझा जाता है कि पेरिस के टैक्सी ड्राइवर्स ने जंग का पांसा पलट दिया था। इस वाक्य को एलाइड फोर्सेस यानी बरतानिया और फ्रांस ने वॉर प्रोपेगेंडे और लोगों में जोश वक्रोश पैदा करने के लिए खूब इस्तेमाल भी किया। इन टैक्सीज के मॉडल्स अजायब घरों में रखे गए और इनकी यादगारें भी बनाई गईं। लेकिन हिस्टोरियन साथियों इस पर मुत्तफिक नहीं हैं कि इन टैक्सीज ने पेरिस की लड़ाई में कोई फैसलाकुन किरदार अदा किया था। यानी ये जो री इन्फोर्समेंट टैक्सीज के जरिए महाज पर पहुँचाई गई थी वो शायद बहुत कम थी। हिस्टोरियंस के नज़दीक जर्मन फौज के पीछे हटने की वजह टैक्सियों में आने वाले फौजी नहीं थे बल्कि खुद घेरे में आ जाने का खौफ था जिसने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। मतलब 6th आर्मी ने, फ्रेंच आर्मी ने सेंट्रल पावर जर्मनी को शिकस्त नहीं दी थी बल्कि वो खुद खौफ के तहत पीछे हो गए थे। बहरहाल दोस्तों टैक्सी सर्विस से महाज़े जंग पर कोई फ़र्क पड़ा या नहीं, लेकिन जर्मन जल्द ही पेरिस के सामने हिम्मत हार गए थे। उन्हें एहसास हो गया था कि पेरिस को फौरी तौर पर फतह करना मुमकिन नहीं। ज़्यादा दिन वहाँ ठहरने में भी खतरा था कि वो दुश्मन के घेरे में आ जाए। चुनाचे पेरिस से लेकर ये पॉइंट जो आप नक्शे में देख रहे हैं यहाँ तक पूरी जर्मन फोर्स उल्टे कदमों पीछे हट गई। द्रय मॉर्न के जिन हिस्सों पर अभी तक इत्तेहादियों का, एलाइड पावर्स का कब्जा नहीं हुआ था वहाँ से जर्मनों ने दरिया को अबूर किया और उसके पीछे एक और दरिया एन तक पसपा हो गए। उन्होंने एन रिवर को अबूर किया और इसके शुमाली किनारे के साथ नॉर्दर्न बैंक के साथ खंदकें खोदकर पोजीशंस लेना शुरू कर दी। यूं पेरिस पर 40 रोज़ में कब्जे का ख्वाब देखने वाले जर्मन 43 डेज के अंदर एन तक पसपा हो चुके थे। एलाइड पावर्स यानी बरतानिया और फ्रांस जो जर्मनों का ताकुब कर रहे थे उन्होंने कई जगह से दरिया पार करके सेंट्रल फोर्स जर्मनी पर हमला कर दिया। तहम खंदकों में पोजीशन लिए हुए जर्मन सिपाहियों ने ये हमले बुरी तरह नाकाम बना दिए। द्रय मॉर्न की पहली जंग में तकरीबन 2,63,000 एलाइड सोल्जर्स हलाक या जख्मी हुए थे। जर्मनों का नुकसान भी कम नहीं था, तकरीबन इतना ही था। इस शिकस्त ने दोस्तों जर्मन हाईकमान पर बहुत बुरा असर डाला।
जर्मन फौज के मरकजी कमांडर हेलमुट वॉन मोल्टके के मुतालिक कहा जाता है कि शिकस्त का सुनकर उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। उनसे एक फिक्रा भी मंसूब किया जाता है जो उन्होंने मुबैना तौर पर जर्मन शहनशाह से कहा था। ये फिक्रा था, बादशाह सलामत, हम ये जंग हार गए हैं। शहनशाह विल्हेम सेकंड ने उन्हें मेडिकल बुनियादों पर कमान से हटा दिया और उनकी जगह एरिक वॉन फाल्कनहाइन को सेंट्रल जर्मन फोर्सेस का सरबराह मुकर्रर कर दिया। मैक्यूरस फेलोज शिलीफन प्लान की नाकामी के साथ ही वेस्टर्न फ्रंट पर जल्द फैसला कुन फतह का जर्मन ख्वाब चिकना चूर हो चुका था। 1914 के मौसम खिजां ऑटम सीजन में जब दरख्तों के पत्ते झड़े तो जर्मन फौजी ट्रेंचेस की सर्द मट्टी में मुंह दिए गालबन सोच रहे थे कि शहनशाह मौजम यह आपने क्या कर दिया। ट्रेंचेस खुदने के साथ ही साथियों सब समझ चुके थे कि घरों को लौटने में भी बहुत देर है। जर्मन हाईकमान भी जंग खत्म करने की जल्दी भी दिखाई नहीं दे रही थी। द ग्रेट वार ने दोस्तों यहां से एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। 1914-1914 के आखिर और 1915-1915 के शुरू तक बेल्जियम में समंदर से लेकर स्विट्जरलैंड तक तकरीबन 700 किलोमीटर तवील लाइन के दोनों तरफ जर्मन और एलाइड फोर्सेस खंदकें खोदकर इनमें बैठ चुकी थीं, पोजीशंस ले चुकी थीं। ये वेस्टर्न फ्रंट था जिसमें खंदकों की जंग ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हो चुकी थी। अगले चार बरसों में इन खंदकों ने, इन ट्रेंचेस ने मिलियंस ऑफ पीपल, दसियों लाखों इंसानों की जानें ले ली। इतनी जानों के बावजूद महाज पर सूरत हाल ये रहती थी कि चंद फिट और चंद मीटर से ज़्यादा कोई फौज दूसरे को पीछे नहीं धकेल पाती थी। ट्रेंच फ्रंट तकरीबन फिक्स ही रहता था। दरअसल जर्मनों ने शिलीफन प्लान को कामयाब बनाने की जल्दी में एक और बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने मशरिक में ईस्टर्न फ्रंट पर रूस के साथ अपना बॉर्डर खुला छोड़ दिया था, खाली छोड़ दिया था। रूस की जाइगेंटिक मिलिट्री मशीन के सामने महज एक छोटी सी कमज़ोर सी जर्मन फौज खड़ी थी जो दिफा के लिए हरगिज काफ़ी नहीं थी। जर्मनों की इस गलती का फ़ायदा उठाकर रूस की दो ताकतवर फौजें जर्मनी में दाखिल हो गईं। दरख्तों से पत्ते झड़ते हुए वापस लौटने का किस्सा अब कई खिजाओं तक फैलने वाला था। यहाँ तक के दोस्तों वो लम्हा भी आ गया जब एक शहनशाह फूट फूट कर रोने लगा। ऑटोमन एम्पायर भी जंग में शरीक हो गई और इसे एलाइड फोर्सेस से, एलाइड पावर्स से गैलीपोली में दो दो हाथ करने पड़ गए। ये सब वाकयात भी दोस्तों हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगली किस्त में दिखाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मन फोर्सेज लक्समबर्ग और बेल्जियम पर कब्जा कर चुकी थी। पेरिस उनके निशाने पर था, लेकिन मशरिक में ईस्टर्न फ्रंट पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ जर्मन सरजमीन पर रशियन फोर्सेस का हमला जारी था। हमलावर रूसी फौज तादाद और ताकत दोनों में कहीं बढ़कर थी। इन्होंने जर्मनी का बॉर्डर भी क्रॉस कर लिया था। जर्मन कमांडर्स घबरा गए थे और अपनी हाई कमान को दुहाई दे रहे थे कि हमें बचा लो, हम इस सफ़ेद रीच का मुकाबला नहीं कर सकते। जर्मनों के लिए ये डू एंड डाई सिचुएशन बन चुकी थी। उन्हें हर कीमत पर अपने वतन का दिफा करना था। क्या जर्मन फोर्सेस इस सफ़ेद रीच को रोक पाईं? गैलीपोली के महाज पर तुर्की में कमज़ोर उस्मानी सल्तनत ने सुपर पावर बरतानिया और फ्रांस की जॉइंट पावर का, मुश्तरका ताकत का मुकाबला कैसे किया? मैं हूं फैसल राइज और देखो सुनो जानो की सीरीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की दूसरी किस्त में हम आपको यही कहानी दिखाएंगे। रूस जिस जर्मन सूबे पर हमला कर रहा था वो ईस्ट प्रोशिया कहलाता था और रशियन एम्पायर के बॉर्डर पर वाकया था। लेकिन जर्मन हाईकमान का अंदाज़ा था कि रूसियों को इस पर हमला करने में कम से कम 6 हफ्ते लग जाएंगे। इतनी देर में उनका ख्याल था कि हमारी फोर्सेस ऑन वेस्टर्न फ्रंट पेरिस पर कब्जा करके इतिहादी फौजों का भुरकस निकाल चुकी होंगी। इसके बाद हम अपनी फोर्सेज को ईस्टर्न फ्रंट पर रूस के मुकाबले के लिए ले आएंगे। इस तरह रूस जर्मनी के खिलाफ कोई बड़ी जंगी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इस स्ट्रेटजी के तहत ईस्टर्न प्रोशिया के दिफा के लिए बहुत थोड़ी जर्मन फौज तैनात की गई थी। ज्यादातर फौज को वेस्टर्न फ्रंट पर बेल्जियम और फ्रांस के लिए भेज दिया गया था। आप हमारी पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि जर्मन्स ने शिलीफन प्लान के तहत बेल्जियम की तरफ से फ्रांस पर हमला कर दिया था। तहम यह हमला नाकाम रहा था और जर्मन फोर्सेज पेरिस पर कब्जा नहीं कर पाई थी। शिलीफन प्लान की तरह ईस्टर्न फ्रंट पर भी जर्मनों की कैलकुलेशंस फेल हो गई थी। वो इस तरह दोस्तों के रूसियों ने 6 हफ्ते के बजाय महज 2 हफ्तों में ही अपनी फौज को ईस्ट प्रोशिया के महाज पर जमा कर लिया। जर्मनों की 1,66,000
166,000 फोर्सेस के मुकाबले में रूसियों के पास 416,000 आर्मी थी। रूसियों का जंगी प्लान भी बहुत जबरदस्त था। रूसियों ने अपनी फौज को दो हिस्सों फर्स्ट आर्मी और सेकंड आर्मी में तकसीम कर दिया था। फर्स्ट आर्मी की कमान जनरल रेनन कैंप कर रहे थे। इस आर्मी ने मशरिक की तरफ से ईस्ट प्रोशिया पर हमला करना था, जबकि जनरल अलेक्जेंडर सैमसनोव की कमान में सेकंड आर्मी ने जनूबी साइड से हमला आवर होना था। रूसियों का प्लान ये था कि पहले फर्स्ट आर्मी ईस्ट प्रोशिया के दारुल हुकूमत कॉन्सबर्ग की तरफ पेशकदमी करेगी। जब जर्मन फौजें इसके मुकाबले पर आ जाएंगी तो सेकंड रशियन आर्मी जनूब की तरफ से जर्मनी में दाखिल होकर जर्मन्स की बैक साइड से कॉन्सबर्ग पर कब्जा कर लेंगी। इसके बाद जर्मन फोर्सेस इन दोनों रशियन फोर्सेस के दरमियान फंसकर या तो तबाह हो जाएंगी या फिर हथियार डालने पर मजबूर होंगी। अब दोस्तों, रशियंस का ये प्लान बहुत ज़बरदस्त था। तमाम इसमें ट्रेनिंग की और तकनीक की खामियां थी। वो ये कि रूसी फौजी इस लड़ाई के लिए पूरी तरह ट्रेन नहीं थे। दूसरा ये कि वो इस इलाके से भी, यहाँ की ज्योग्राफी से भी अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे। रशियन फर्स्ट आर्मी और सेकंड आर्मी की पोजीशंस के दरमियान में बहुत सी झीलें थीं, लेक्स थीं, जिन्हें मैसूरियन लेक्स कहा जाता था। इन झीलों की वजह से ये दोनों फौजें वक्त पड़ने पर एक दूसरे की मदद नहीं कर सकती थीं। इसके अलावा एक अहम मसला ये था कि फर्स्ट और सेकंड आर्मीज के कमांडर्स जनरल पॉल और जनरल सैमसनोव ज़ाती तौर पर एक दूसरे के सख्त खिलाफ थे। ये प्रोफेशनल जेलसी थी या कुछ और मामला था हम नहीं जानते, लेकिन दोनों का एक दूसरे की मौसर मदद करने का इम्कान बहुत ही कम था। इस सब के अलावा दोस्तों, एक और मसला भी था कि रूसी कमांडर्स के पास अपनी फोर्सेस से राबते का कोई खुफिया निज़ाम, सीक्रेट सिस्टम नहीं था। यानी वो कोडवर्ड्स में एक दूसरे को पैगाम नहीं भेज सकते थे। इसकी वजह ये थी कि हर फौजी दस्ते के पास वायरलेस कम्युनिकेशन की जो कोड बुक थी वो बाकियों से मुख्तलिफ थी। यानी ये भी एक तकनीकी और ट्रेनिंग की खामी थी। चुनाचे रूसी कमांडर्स ने तय किया कि वो वायरलेस पर कोड्स वर्ड्स के बजाय सीधे सीधे पैगाम भेजेंगे। सो जब उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि साफ साफ बात कहने लगे, तो जर्मन्स अपने वायरलेस सेट्स पर भी ये सारी गुफ्तगू सुन लिया करते थे और मंसूबे को जान जाते थे। बहरहाल, इन सब मसाइल के बावजूद रूसियों को तादाद का, नंबर्स का एडवांटेज तो था। चुनाचे शुरू के चंद रोज उनका हमला, रशियंस का हमला बहुत ही कामयाब रहा। फर्स्ट आर्मी 15 अगस्त को जर्मन बॉर्डर क्रॉस करके ईस्ट प्रोशिया में दाखिल हो गई। इसके मुकाबले पर जर्मन्स की 8th आर्मी थी, जिसके कमांडर मैक्सिमिलियन प्रेटवेट्स थे। रूसियों ने 17 और फिर 20 अगस्त को दो बार जर्मन फोर्सेस को शिकस्त से दोचार किया। इस दौरान जर्मन कमांडर प्रेटवेट्स को ये इंटेलिजेंस भी मिल गई थी कि रूसियों की सेकेंड आर्मी भी जर्मनी में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने बर्लिन में जर्मन हाई कमान को पैगाम भेजा कि मेरी फौज दुश्मन के घेरे में आने वाली है, मुझे ईस्ट प्रोशिया खाली करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन जर्मन हाई कमान ने उनकी बात मानने के बजाय उन्हें ही बरतरफ कर दिया। उनकी जगह जर्मनी के दो और मंझे हुए कमांडर्स को ईस्ट प्रोशिया भेज दिया गया। ये नए कमांडर्स थे हेंडनबर्ग और लोडनडॉर्फ। 68 साल ओल्ड हेंडनबर्ग तो रिटायर हो चुके थे, लेकिन इस अहम मार्के के लिए उन्हें ख़ास तौर पर ड्यूटी के लिए बुलाया गया। लुडनडॉर्फ उस वक्त वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात थे। बेल्जियम के शहर लीएच पर कब्जे की लड़ाई, जिसके मतलब हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, वो भी इन्हीं की कमान में लड़ी जा चुकी थी। उस जंग में जर्मनों को फतह मिली थी और वो लीएच पर काबिज होकर फ्रांस की तरफ पेशकदमी करने लगे थे। तो इस अहम जंग के फाते लुडनडॉर्फ को हेंडनबर्ग का चीफ ऑफ स्टाफ यानी उनका असिस्टेंट बनाकर ईस्ट प्रोशिया भेज दिया गया। ये दोनों कमांडर्स जब ईस्ट प्रोशिया पहुंचे तो उनकी मुलाकात एक ऐसे जर्मन ऑफिसर से हुई जिसके पास रूसियों को हराने का एक जबरदस्त प्लान पहले से मौजूद था। ये ऑफिसर 8th आर्मी के चीफ ऑफ ऑपरेशंस कर्नल मैक्स हॉफमैन थे। ईस्ट प्रोशिया में रेलवे लाइंस का एक जबरदस्त नेटवर्क मौजूद था और हॉफमैन का मंसूबा ये था कि रशियन फर्स्ट आर्मी के सामने मौजूद कुछ जर्मन फौज को ट्रेनों के जरिए रशियन सेकेंड आर्मी के लेफ्ट साइड पर मुंतकिल कर दिया जाए। जब ये आर्मी आगे बढ़े तो जर्मन्स इसे पीछे से घेर कर इसकी सप्लाई लाइन काट देंगे और इसे तबाह कर देंगे। ये प्लान उन्होंने लुडनडॉर्फ और हिंडनबर्ग को पेश कर दिया। दोनों कमांडर्स को ये पसंद आया। उन्होंने इसमें कुछ टेक्निकल तब्दीलियां की और फौरी तौर पर इसे नाफिज करने का हुक्म दिया। जर्मन फौज का कुछ हिस्सा ट्रेनों में बिठाकर तेज रफ्तारी से रशियन सेकेंड आर्मी की लेफ्ट साइड पर भेज दिया गया।
इसके बाद सेकेंड आर्मी की पेशकदमी के रास्ते में भी जर्मन फौजें जमा होने लगीं। इस डिप्लॉयमेंट में जोग्राफिया ने जर्मन्स की बहुत मदद की। जर्मन फौजी आसानी से जंगलों और छोटी छोटी आबादियों में छुपकर दुश्मन की नज़रों में आए बगैर इसके करीब पहुंच सकते थे। दूसरी तरफ रशियंस के लिए इन जंगलों में अपने मुख्तलिफ यूनिट्स से राबता कायम रखना बहुत मुश्किल काम था। इसका नतीजा ये निकला कि सेकेंड रशियन आर्मी जब ईस्ट प्रोशिया में दाखिल हुई तो इसके मुख्तलिफ दस्ते जंगलों में इधर उधर बिखर गए। चुनाचे अब जर्मनों ने सामने और साइड से दुश्मन के मुख्तलिफ दस्तों पर अलग अलग हमले करके इन्हें घेरे में लाना शुरू कर दिया। जबकि जर्मन फौज का ये हिस्सा जो रूसियों की लेफ्ट साइड पर था, उसने दुश्मन की बैक साइड पर पहुंचकर वापसी का दरवाज़ा बंद कर दिया। इस दौरान जर्मन्स ने फर्स्ट आर्मी पर भी हमले शुरू कर दिए ताकि उनकी पेशकदमी सुस्त की जा सके। जर्मन्स का मनसूबा दोनों जगह कामयाब रहा। रशियन फर्स्ट आर्मी की पेशकदमी भी स्लो हो गई और सेकेंड आर्मी भी उनके घेरे में आने लगी। मुसलसल झड़पों के बाद 27 या 28 अगस्त को 27 या 28 अगस्त तक सेकेंड आर्मी का ज़्यादातर हिस्सा घेरे में आ चुका था। जर्मनों ने इस घेरे में आई फोर्स को दो रोज तक शदीद बमबारी का निशाना बनाया। इस गोलाबारी में हजारों रूसी फौजी मारे गए। इस दौरान रशियन फर्स्ट आर्मी कमांडर्स की दुश्मनी और कुछ अपनी फौजी मुश्किलात की वजह से उनकी मदद को नहीं आ सकी। यूं सेकेंड रशियन आर्मी तन्हा रह गई और इसके सिपाही सरेंडर करने लगे। 31 अगस्त तक फौज के बड़े हिस्से ने सरेंडर कर दिया था। सेकेंड आर्मी की 1.5 लाख फोर्स में से 48,000 फौजी 48,000 सोल्जर्स मारे जा चुके थे और 92,000 गिरफ्तार हुए। महज 10,000 रूसी फौजी जान बचाकर रूस पहुंच सके थे। इसके अलावा जर्मनों ने 500 रूसी तोपें भी कब्जे में ले ली। रूसियों से छीना गया जंगी साजो सामान इतना ज़्यादा था कि इसे 60 ट्रेनों में भरकर बर्लिन भेजा गया। रूसी कमांडर अलेक्जेंडर सैमसनोव गिरफ्तार नहीं हुए थे, लेकिन वो शिकस्त पर इस कदर गमजदा ज़रूर हुए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, अपने रिवॉल्वर से अपने सर में गोली मार ली। इस सब के मुकाबले में दोस्तों जर्मनों का जानी नुकसान बहुत कम था। महज 13,873 फौजी हलाक, जख्मी या लापता हुए। जर्मनों ने सेकेंड आर्मी को तबाह करने के बाद इस महाज से अपनी ज़्यादातर फौज को रशियन फर्स्ट आर्मी के मुकाबले पर भेज दिया। इसके बावजूद रशियन फर्स्ट आर्मी कुछ अरसे तक जर्मन इलाके में पेशकदमी करती ही रही, आगे बढ़ती रही। 10 सितंबर तक वो कोनिसबर्ग के करीब पहुंच चुकी थी। तहम जर्मनों ने शदीद हमले करके इसे भी पीछे धकेल दिया। अगले चंद माह भी लड़ाई का सिलसिला जारी रहा। फरवरी 1915 तक तमाम रूसी फौजें ईस्ट प्रोशिया से निकाली जा चुकी थी। जर्मनों ने अपने मुल्क का कामयाब दिफा कर लिया था। इस जंग को बैटल ऑफ टैनेनबर्ग का नाम दिया गया, जिसकी वजह करीबी कस्बे का यही नाम था। इस फतह पर चांदी का एक यादगारी सिक्का भी जारी किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि हिंडनबर्ग तलवार उठाए खड़े हैं और रूसी रीच उनके कदमों में पड़ा है जैसे उन्होंने शिकार किया हो। टैनेनबर्ग के असरात बहुत ही गहरे थे। इस जंग के बाद ईस्ट प्रोशिया में जर्मन एक नाकाबले शिकस्त ताकत बन गए, लेकिन उनके इत्तेहादी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के सोल्जर्स रशियंस के सामने बेबस नजर आ रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूसियों ने ऑस्ट्रेलियंस को एक ऐसी शिकस्त दी कि इनकी टैनेनबर्ग में हारने की रुसवाई कुछ कम हो गई। ये जंग ऑस्ट्रेलियन इलाके लिम्बर्ग में लड़ी गई थी। माइक्यूरसेलोज लिम्बर्ग शहर, जो आज यूक्रेन में वाकया है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त ऑस्ट्रिया के सूबे ग्लीशिया का दारुल हुकूमत था। 23 अगस्त से 11 सितंबर 1914 तक ग्लीशिया के महाज पर रूसियों और ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस में ज़बरदस्त जंग हुई। ऐसी जंग के कई जगह पर तो तलवारें तक चलने लगीं। इस लड़ाई में कम से कम 1,00,000 ऑस्ट्रेलियंस मारे गए, 2,20,000 जख्मी हुए, जबकि 1,00,000 फौजियों को कैदी बना लिया गया। इसके मुकाबले में रूसियों के 1.5 लाख से जायद फौजी हलाक और जख्मी हुए, जबकि गिरफ्तार होने वाले 40,000 अलग से थे। इस जंग के नतीजे में लिम्बर्ग पर रूसी कब्जा हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए दोस्तों बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त साबित हुई। इस हार पर ऑस्ट्रेलियन फील्ड मार्शल फ्रांस कोनार्ड ने कहा कि अगर आज फ्रांस फर्डिनेंड जिंदा होते तो मुझे गोली मार देते। ये फ्रांस फर्डिनेंड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के वही वली अहद हैं जिनके कत्ल की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। तो खैर साथियों, लिम्बर्ग की फतह ने रूसियों के हौसले बुलंद कर दिए। वो आगे बढ़े और लिम्बर्ग के मगरिब में तकरीबन 96 किलोमीटर दूर एक शहर पर्ज़िमाइसी का मुहासरा कर लिया। इस शहर और इसके इर्द गिर्द के मुख्तलिफ रास्तों पर कई हिफाजती किले मौजूद थे।
इन किलों में बैठकर तकरीबन 1,00,000 से ज्यादा ऑस्ट्रियन सोल्जर्स ने रूसियों का कई माह तक डट कर मुकाबला किया। शहर के हिफाजती किलों पर कब्जे के लिए बड़ी सख्त लड़ाइयां होती रहीं। सिपाही तलवारों और संगीनों से एक दूसरे को कत्ल करते रहे। शहर का मुहासरा 16 सितंबर 1914 से 22 मार्च 1915 तक जारी रहा, यानी तकरीबन 133 दिन। इस दौरान रूसियों की शदीद बमबारी से शहर का बड़ा हिस्सा मलबे का ढेर बन गया। कई किले भी बुरी तरह तबाह हुए। जब मजीद मुजाहमत मुकाबला बस से बाहर हो गया तो ऑस्ट्रियन आर्मी ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब इस एक और शिकस्त की इतला ऑस्ट्रेलियन शहनशाह को मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगे। यूं दोस्तों, रूस की ऑस्ट्रिया के महाज पर 1915 के शुरू में एक फातिहाना मार्च की सूरत हाल पैदा हो गई, लेकिन यहाँ से हालात फिर पलटने लगे। ऑस्ट्रिया का इत्तेहादी जर्मनी उसे बचाने के लिए पहुँच गया। यही वजह थी कि जुलाई 1915 में रूसी फौज ने हर महाज से पीछे हटना शुरू किया ताकि बेहतर पोजीशन ली जा सके। इस पसपाई को द ग्रेट रिट्रीट का नाम भी दिया जाता है। इस पसपाई का फ़ायदा उठाकर ऑस्ट्रेलिया ने ना सिर्फ ये कि अपना ज़्यादातर इलाका वापस ले लिया, बल्कि जर्मन और ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स ने रशियन अम्पायर का एक बड़ा हिस्सा भी कब्जे में ले लिया, जो आप इस वक्त नक्शे में देख सकते हैं। 1915 सिर्फ ऑस्ट्रिया और जर्मनी के लिए दोस्तों नहीं, बल्कि इनके तीसरे इत्तेहादी ऑटोमन अम्पायर के लिए भी कामयाबियों का साल साबित हुआ। उस्मानी सल्तनत नवंबर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो चुकी थी। उस्मानियों के इस इकदाम की फौरी वजह यह थी कि ब्रिटिश नेवी के वजीर विंस्टन चर्चिल ने 2 तुर्क बहरी जहाज़ों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। ये जहाज उस्मानियों ने बरतानिया से तैयार करवाए थे और उनकी पूरी कीमत भी अदा कर दी थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही चर्चिल ने इन जहाज़ों पर कब्जा जमा लिया, यानी इन्हें ट्रांसफ़र करने से इनकार कर दिया। एक जहाज़ को HMS एरन का नाम देकर ब्रिटिश नेवी के हवाले कर दिया गया, जबकि दूसरा जहाज़ जो पूरी तरह अभी तैयार नहीं हुआ था उसे डिसमेंटल करके उसके पुर्जे और जगहों पर इस्तेमाल कर लिए गए। बरतानिया के इस गैर कानूनी इकदाम ने तुर्की के होश उड़ा दिए। तुर्कों ने इन जहाज़ों के लिए अपने अवाम से चंदा जमा किया था। इस बदहदी पर तुर्क अवाम बरतानिया के खिलाफ हो गए। इस कमी को पूरा करने के लिए जर्मनी ने अपने 2 बहरी जंगी जहाज गोएबन और ब्रिस्लाओ तुर्की के हवाले कर दिए। तुर्की और जर्मनी एक दूसरे के करीब आ गए। 11 नवंबर 1914 को उस्मानी खलीफा मोहम्मद 5 ने एलाइड पावर्स बरतानिया, फ्रांस और रूस के खिलाफ जहाद का ऐलान कर दिया। जवाब में तुर्की को सबक सिखाने के लिए एलाइड पावर्स ने भी इसके अहम इलाके गैलीपोली पर हमले का मंसूबा तैयार कर लिया। अब इनका प्लान जो था ये विंस्टन चर्चिल ने तैयार किया था। गैलीपोली दर्रा दानियाल डार्डेनियल के किनारे पर वाकया था। अगर एलाइज इस पर काबिज हो जाते तो उनके जंगी जहाज यहाँ से बासानी गुजर कर तुर्क मरकज कुस्तुनतुनिया पर, जो कि अब इस्तंबुल है, वहाँ कब्जा कर सकते थे। यूं उनके लिए बास्फोरस स्ट्रेट के जरिए ब्लैक सी तक का सारा बहरी रास्ता खुल जाना था, जिसके बाद वो अपने इत्तेहादी रूस तक असलहा और सामान आसानी से पहुंचा सकते थे। इसके अलावा वो मशरिक की तरफ से जर्मन इत्तेहादी बल्गारिया पर भी हमला कर सकते थे, फिर बल्गारिया के साथ यूनान और रोमानिया पर दबाव डालकर उन्हें भी जर्मनी के खिलाफ जंग पर मजबूर कर सकते थे। यानी अगर ये मंसूबा कामयाब रहता तो आखिर में बरतानवी और फ्रांसीसी फोर्सेस यूनान और रोमानिया से मिलकर मशरिक की तरफ से जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर भरपूर हमला कर रही होती, जबकि वेस्टर्न फ्रंट पर तो वो पहले ही जर्मनों से लड़ रही थी। यानी जर्मनी मशरिक और मगरिब दोनों तरफ से उनके घेरे में आ जाता। ये प्लान ऑन पेपर तो दोस्तों बहुत शानदार था। उस्मानी सल्तनत वैसे भी रूस और दीगर हमसाया रियासतों से जंगों के बायस काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। इत्तेहादियों को, एलाइड पावर्स को पूरा यकीन था कि उनका मंसूबा फूल प्रूफ है, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी लड़ाई में पहला कत्ल प्लानिंग ही का तो होता है। बरतानिया और फ्रांस के साथ भी यही कुछ हुआ। तुर्कों और उनके इत्तेहादी जर्मनों को दुश्मन के अजायम का पूरा अंदाज़ा पहले से था। इसीलिए जर्मनी ने अपना एक फौजी मिशन लेफ्टिनेंट जनरल ऑटो लाइमन की कमान में तुर्की भेज दिया था। इस फौजी मिशन की हदायत के मुताबिक तुर्की की 5th आर्मी ने गैलीपोली में पोजीशन संभाल ली थी। इस उस्मानी फौज के कमांडर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल मुस्तफा कमाल पाशा भी शामिल थे। वो तुर्कों की 19th डिवीजन की कमान कर रहे थे। जमीनी फोर्सेस के साथ तुर्की की नेवल फोर्सेस भी एक्टिव हो गई थी। एक तुर्क बहरी जहाज नुसरत ने दर्रा दानियाल में समंदर के अंदर बारूदी सुरंगें भी बिछा दी थी।
18 मार्च 1915 को ब्रिटिश और फ्रेंच नेवीज के 16 जहाज 16 ships दर्रे दानियाल में दाखिल हुए। इनका मकसद नुसरत की बिछाई हुई बारूदी सुरंगें हटाना था। तहम दर्रे दानियाल के दोनों तरफ तैनात तुर्क तोपखाने की शदीद बमबारी ने इन्हें इसकी मोहलत नहीं दी। इस जंग में दोस्तों एक 26 साला तुर्क तोपची सैयद अली चाबक ने बहादुरी की नई तारीख रकम कर दी। ये दलेर जवान जिस तोप से दुश्मन पर गोले बरसा रहा था उसमें 375 किलोग्राम वजनी गोले डाले जाते थे। इतने भारी भरकम गोले कोई आम इंसान आम हालात में उठा ही नहीं सकता था, इसीलिए इस काम के लिए एक क्रेन मौजूद थी। लेकिन दोस्तों सैयद अली चाबक के गन से मुंसलिक ये क्रेन खराब हो गई, जिसके बाद अली चाबक ने यह किया कि वो खुद ही भारी भरकम गोले कमर पर उठा उठा कर गन तक लाने लगे और खुद ही फायर करने लगे। ये बहादुरी और मुशक्कत का बेमिसाल मुजाहरा था, लेकिन जाहिर है हीट ऑफ द मोमेंट में जंगी जोश में किया गया ये एक अमल था। यही वजह थी कि लड़ाई के बाद जब एक बार उन्हें इतना ही भारी गोला उठाने का कहा गया तो वो इसे नहीं उठा सके। हाँ, तारीख के रिकॉर्ड के लिए उन्होंने लकड़ी का एक मॉडल गोला उठाकर तस्वीर जरूर बनवा ली। इन्हें उस्मानी सल्तनत की तरफ से गैलीपोली स्टार का मेडल भी दिया गया। ये वो मेडल था जो सैयद अली की तरह गैलीपोली में बहादुरी के जोहर दिखाने वाले बहुत से दूसरे जवानों को भी दिया गया था। मॉडर्न तुर्किया के बानी मुस्तफ़ा कमाल को भी ये मेडल मिला था। सैयद अली चाबक की यादगारें दोस्तों तुर्की में कई जगहों पर बनाई गई हैं और इनके कतबे पर भी यही गोला उठाकर चलने वाला एक नक्श गम्मा किया गया है। साथियों 16 मार्च को तुर्कों की शदीद बमबारी की वजह से एलाइड जहाज़ों का हमला बारूदी सुरंगों पर तवज्जो ही नहीं दे सका। ये जहाज जवाबी फायरिंग में मसरूफ रहे और इस दौरान बारूदी सुरंगों से टकराने भी लगे। इस एक्शन में 2 बरतानवी और 1 फ्रांसीसी जहाज गर्क हो गए, जबकि 3 को शदीद नुकसान पहुँचा। एलाइड पावर्स की पेशकदमी रुक गई और उनका बहरी बेड़ा दर्रे दानियाल से वापस लौट गया। गैलीपोली के महाज पर इस एक बहरी बेड़े के अलावा भी दोस्तों बहुत से बरतानवी जहाज़ों की शामत आती रही, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मतलब दोस्तों एलाइड वॉरशिप्स तुर्की को कम अज़ कम नेवल फ्रंट पर शिकस्त देने में नाकाम हो गए थे, मगर 25 अप्रैल को 25 अप्रैल को ज़मीनी जंग का आगाज़ भी हो गया। कहते हैं कि तुर्क कमांडर मुस्तफा कमाल ने जर्मन कमांडर ऑटो लाइमैन को बता दिया था कि दुश्मन किस जगह पर लैंड कर सकता है। उन्होंने कहा दुश्मन या तो कैप हेलियस में लैंड करेगा या गाबा तापे में। ये दोनों पॉइंट्स आप नक्शे पर देख रहे हैं। जर्मन कमांडर ने इनकी बात से इत्तेफाक तो नहीं किया, लेकिन मुस्तफा कमाल की 19th डिवीजन को ऐसी जगह तैनात कर दिया गया कि वो इन दोनों मुकामात पर बहुत तेजी से पहुंच सकें और नजर भी रख सकें। फिर ऐसा हुआ दोस्तों कि दुश्मन ने पहली लैंडिंग कैप हेलियस के मुकाम पर ही की, यानी ठीक उसी जगह जिसकी पेशगोई कमाल अतातुर्क ने पहले से कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की फोर्सेस, जिन्हें एनजिक कहा जाता था, इन्होंने पहले लैंड किया। ये फौजी साहली चट्टानों पर चढ़ते हुए तुर्क हदूद में दाखिल हो गए। तहम मुस्तफा कमाल की कमान में तुर्क फोर्सेज ने इस एलाइड फोर्स का रास्ता रोक लिया। फिर खूनरेज मुकाबलों का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। इन लड़ाइयों में मुस्तफा कमाल ने अपनी लीडरशिप की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। एक मौके पर जब तुर्क फौजी मैदान जंग से भाग खड़े हुए थे तो ये मुस्तफा कमाल ही थे जो उन्हें जोश दिलाकर मैदान जंग में वापस लाए थे। इस दौरान दोस्तों मजीद इतिहादी फौजी भी वक्फे वक्फे से साहिल पर उतरती रहीं। इनमें हिंदुस्तानी और फ्रांसीसी फोर्सेज भी शामिल थी। ये कुल 489,000 सोल्जर्स थे एलाइड पावर्स के। इसके मुकाबले में तुर्कों के पास 315,500 सिपाही थे, लेकिन तुर्कों ने हर जगह इस एलाइड फोर्सेस का बड़ी दलेरी और बहादुरी से मुकाबला जारी रखा। जंग के दौरान इंसानी हमदर्दी के मनाजर भी ऐसे देखने में आए जो नाकाबले यकीन थे। एक तुर्क फौजी ने एक जख्मी ऑस्ट्रेलियन फौजी को उठाकर उनके साथियों तक पहुँचाया। इस मंजर की याद में बिल्कुल ऐसा ही एक मुजस्मा तुर्की में आज भी देखा जा सकता है। ये यादगारें दोस्तों बताती हैं कि बदतरीन दुश्मनी और जंगों के दरमियान भी इंसानियत का जिंदा रहना अहम मुमकिन है। साथियों गैलीपोली की लड़ाई कई माह तक जारी रही। इत्तेहादियों ने बार बार पैंतरे बदले और तुर्की की दिफाई लाइन को तोड़ने की कोशिश की, तहम वो नाकाम रहे। तुर्कों को एक फ़ायदा ये बहरहाल था कि उन्होंने बुलंदी पर पोजिशंस ले रखी थी, यहीं से वो दुश्मन का जायजा लेकर उसे रोक सकते थे। इसलिए जब इतिहादी फोर्सेस गैलीपोली में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकें तो उन्होंने खंदकें खोद ली, यानी यहाँ भी ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हो गई जैसा कि वेस्टर्न फ्रंट पर हो चुकी थी। हाँ, एक फ़र्क बहरहाल था,
वो ये कि एलाइड पावर्स ने, इत्तेहादियों ने वेस्टर्न फ्रंट के बरक्स यहाँ ट्रेंच वॉरफेयर को ज़्यादा तूल नहीं दिया, क्योंकि वहाँ तो एलाइज मजबूर थे कि उन्हें हर कीमत पर पेरिस और फ्रांस का दिफा करना था, लेकिन गैलीपोली में लंबी ट्रेंच वार का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं था। वो समझ चुके थे कि गैलीपोली के महाज पर वो जीत तो नहीं सकते, जिसका दूसरा मतलब ये था कि गैर ज़रूरी तौर पर इस महाज पर इतनी ज़्यादा ताकत बेकार पड़ी रहेगी। वैसे भी आप जानते हैं कि ट्रेंचेस में सोल्जर्स दुश्मन की बमबारी से ज़्यादा बीमारियों से लड़ते हैं। चुनाचे उन्होंने, एलाइज पावर ने खामोशी से यहाँ से अपनी फ़ौज को निकालना शुरू कर दिया। जनवरी 1916 तक अलाइड फोर्सेस इतनी खामोशी से गैलीपोली छोड़ गईं कि तुर्कों को कानों कान खबर ना हो। वो ऐसे कि अलाइड पावर्स ने डमी गन्स और डमी सोल्जर्स को इस तरह इंस्टॉल किया कि तुर्क फोर्सेस बहुत देर तक, कई घंटों तक यही समझती रहीं कि अभी अलाइड सोल्जर्स यहाँ मौजूद हैं। जब तुर्क फोर्सेस को बहुत देर बाद ये अंदाज़ा हुआ कि असल अलाइड फोर्सेस तो जा चुकी हैं, ये तो डमी गन्स और डमी सोल्जर्स हैं, तो वो कुछ नहीं कर सके, क्योंकि अलाइड पावर्स मैदान छोड़कर रिट्रीट कर चुकी थी। और ये रिट्रीट इतना कामयाब था कि इसमें अलाइड फोर्सेस के सिर्फ 2 फौजी जख्मी हुए। जंगी तारीख का दोस्तों ये एक नाकाबले फरामोश टेक्स्ट बुक केस है। गैलीपोली की जंग दोस्तों अप्रैल 1915 से जनवरी 1916 तक जारी रही, तकरीबन 9 माह। इस लड़ाई में अलाइड पावर्स यानी बरतानिया और फ्रांस समेत तमाम फोर्सेस के कुल मिलाकर 348,000 सोल्जर्स हलाक, जख्मी या गिरफ्तार हुए, जबकि उस्मानी फोर्सेस को 160,000 से ज्यादा सोल्जर्स का नुकसान उठाना पड़ा। कुछ कहते हैं कि दोनों का नुकसान बराबर ही था। खैर, जो भी था, आखिर में नतीजा ये था कि ओटोमन एम्पायर की फोर्सेज ने फतह हासिल कर ली थी। गैलीपोली में शिकस्त के बाद बरतानवी हुकूमत शदीद दबाव में आ गई। इस शिकस्त की सजा विंस्टन चर्चिल को भुगतना पड़ी, जो गैलीपोली हमले के मास्टरमाइंड थे। उन्हें नेवी के वजीर फर्स्ट लॉर्ड के ओहदे से हटा दिया गया। यूं दोस्तों 1915 का साल ईस्टर्न फ्रंट पर सेंट्रल पावर्स के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, मगर उन्हीं महीनों में वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मनों और इत्तेहादियों के दरमियान स्टेलमेट बरकरार रहा। इस स्टेलमेट को तोड़ने के लिए जर्मनों ने एक बड़ा अटैक लॉन्च किया। यह हमला पहली जंगे अजीम की तवील तरीन लड़ाई साबित हुआ। यह हमला क्या था और इसका अंजाम क्या हुआ, फ्रांसीसियों को फतह का रास्ता किसने दिखाया, ये सब दोस्तों आपको दिखाएंगे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगली किस्त में। दिसंबर 1915 में ईस्टर्न फ्रंट पर सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन एम्पायर्स का पलड़ा भारी था। इस साल इटली भी सेंट्रल पावर्स के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। ताहम ऑस्ट्रिया ने इसे शिकस्त देकर साइड पर बिठा दिया। इसी दौरान दूसरी तरफ वेस्टर्न फ्रंट पर ट्रेंच वॉरफेयर में खंदकों की लड़ाई में स्टेलमेट हो चुका था। इन हालात में मरकजी जर्मन कमांडर फॉल्कनहाइन ने जर्मन शहनशाह काइजर विल्हेलम II को एक खत लिखा। उन्होंने लिखा कि बरतानिया के 2 इत्तेहादी, रूस और इटली, तो जंग में कोई बड़ी कार्रवाई करने के काबिल ही नहीं रहे। वेस्टर्न फ्रंट पर फ्रांस बरतानिया का आखिरी ताकतवर इत्तेहादी रह गया है। अगर इसे भी शिकस्त हो जाए तो बरतानिया तन्हा हो जाएगा और हार मानने पर मजबूर होगा, यानी जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फातहे बन जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे फ्रांस पर फैसलाकुन हमले की इजाज़त दे दी जाए। काइजर ने इस प्लान की मंजूरी दे दी। इस अहम तरीन जंग को दोस्तों काइजर के बेटे और वलीहद क्रॉन प्रिंस फ्रेडरिक विल्हेलम ने लीड करना था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का खात्मा और जर्मनी की फतह शाही खानदान के एक फर्द के हाथों अंजाम देने की प्लानिंग की गई थी। लेकिन दोस्तों, जिस लड़ाई के बारे में समझा जा रहा था कि वो द ग्रेट वॉर को, जंग अजीम को जल्द ख़त्म कर देगी, वही वर्ल्ड वॉर की सबसे तवील लड़ाई बन गई। इसे द बैटल ऑफ वर्दा कहा जाता है। मैं हूं फैसल वराइज और देखो सुनो जानो की सीरीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तीसरी किस्त में हम आपको इसी जंग की कहानी दिखाएंगे। माई क्यूरियस फेलोज, पेरिस से 261 किलोमीटर दूर मशरिक में एक छोटा सा शहर है वर्दा। इस शहर की एक खास तारीख थी जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये और भी अहम हो गया। वो ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से दहाइयों पहले 1870 में फ्रांस और जर्मनी में एक जंग हुई। जर्मन रियासत प्रोशिया ने फ्रांस पर हमला किया और पेरिस पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस जंग में वर्दा उन शहरों में शामिल था जिन पर कब्जा बहुत मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि इस शहर ने सख्त तरीन मुकाबले के बाद हथियार डाले थे।
तब से फ्रांसीसियों के लिए वेरदान जर्मनों के खिलाफ मुजाहमत की लड़ाई की एक अलामत बन चुका था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अब जर्मन जनरल फाल्कनहाइम ने इसी शहर पर कब्जे का मंसूबा बनाया। उन्हें मालूम था कि फ्रांस इसे बचाने के लिए अपनी तमाम तर ताकत झोंक देगा। इस तरह जर्मन्स को फ्रांस की फौजी ताकत मुकम्मल खत्म कर देने का मौका मिल जाएगा। साथियों, वेरदान की लड़ाई को समझने के लिए जरा नक्शे पर गौर से इस शहर और उसके करीब जर्मन फौजियों की पोजीशंस को देखें। आप पहली किस्त में जान ही चुके हैं कि स्विट्जरलैंड से बेल्जियम तक 700 किलोमीटर तवील वेस्टर्न फ्रंट फैला हुआ था। जर्मन और एलाइड फोर्सेस इसके दोनों तरफ खंदकों में बैठी हुई थी। वेरदान शहर तकरीबन फ्रंट पर ही था, यानी जर्मन ट्रेंचेस से महज 10-15 किलोमीटर दूर। इसके दरमियान से दरिया म्यूज गुजरता था। शहर की असल दिफाई लाइन इसके इर्द गिर्द मौजूद 30-30 से ज्यादा छोटे बड़े किले थे। इनमें तीन अहम किले फोर्ट डाउमोंट, वॉक्स और सोवेल थे। ये तीनों दरिया की राइट साइड पर मशरिक की जानिब थे, जहां से अटैक होना था। इन किलों पर भारी तोपें नस्ब थी, यानी शहर का दिफा अच्छा खासा था। लेकिन जर्मनों के हमले से पहले कुछ खराबियां इस दिफा में बहरहाल आ चुकी थी। वो यूं कि फ्रेंच कमांडर्स ने इस शहर को इंतहाई महफूज समझते हुए इसके दिफा से लापरवाही इख्तियार कर ली थी। उन्होंने कई किलों से भारी तोपें और ज्यादातर फोर्सेस हटाकर दूसरे महाजों पर भेज दी थी। एक मसला तो ये था। फिर वर्दा के साथ एक और मसला भी था, वो ये कि इसकी सप्लाई लाइन बहुत कमजोर थी। पेरिस से यहां तक कोई रेलवे ट्रैक था और ना ही कोई बड़ी सड़क मौजूद थी। करीब तरीन रेलवे स्टेशन वेरदान के जनूब में बार्ले डेक शहर में था। इस इलाके में एक 20 फीट चौड़ी और 57 किलोमीटर तवील सड़क निकलती थी, जो वेरदान तक जाती थी। ये सड़क ही वेरदान तक सप्लाई पहुंचाने का वाहिद अकलौता रास्ता था। इसके मुकाबले में जर्मन फोर्सेस की सप्लाई लाइन बहुत बड़ी थी, जिसमें कई रेलवे ट्रैक्स भी शामिल थे। जर्मन्स ने हमले से पहले बड़ी खामोशी से अपने रेलवे नेटवर्क्स को मजीद फैला लिया था। कई नए रेलवे ट्रैक्स बिछा लिए थे और पुराने ट्रैक्स की मुरम्मत भी कर ली थी। इसके बाद ट्रेनों के जरिए फौज और असले की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। जर्मन्स की जंगी तैयारियों का अंदाजा साथियों आप इससे लगाएं कि सिर्फ शुरू के हमलों के लिए, इब्तदाई अटैक्स के लिए 1300 ट्रेन्स में 25,00,000 गोले महाज पर पहुंचा दिए गए थे। सुपर हैवी गन्स समेत 1200 तोपें 1200 गन्स भी लाई जा चुकी थी। जर्मनों ने 12 फरवरी को हमला करना था, तहम मौसम की खराबी की वजह से इसे 9 डेज के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस दौरान यह भी हुआ कि फ्रांस के जासूस जहाजों ने जर्मनों की कुछ हरकतों को नोट कर लिया, उनकी तैयारियों को देख लिया और अपनी हाईकमान को खबरदार भी कर दिया। लेकिन फ्रेंच हाईकमान ने ओवर कॉन्फिडेंस के बायस इस जासूसी को ज्यादा अहमियत ही नहीं दी। अलबत्ता एहतियातन कुछ मजीद फौज और तोपें यहाँ भेज दी, जो कि जर्मन हमले को रोकने के लिए नाकाफी थी। जर्मनों ने इस हमले का कोड नेम ऑपरेशन गार्चेट रखा था। गार्चेट जर्मन जुबान में फैसले को कहते हैं। तो ये जर्मनों के नजदीक फैसला कुन ऑपरेशन था, जिसने कि ग्रेट वॉर को खत्म कर देना था। 21 फरवरी की सुबह 7:15 पर 1200 जर्मन तोपों ने मशरिक की तरफ ईस्टर्न साइड पर तकरीबन 20 किलोमीटर तवील फ्रंट पर फायर खोल दिया। बैटल ऑफ द वर्दा शुरू हो चुकी थी। माइक्यूरस फेलोज, जर्मनों की बमबारी तकरीबन 10 घंटे तक जारी रही। बमबारी इतनी शदीद थी कि लगता था जर्मन साइड से मुसलसल आग उगली जा रही है। धमाकों की आवाज़ें 160 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। हर धमाके के साथ ज़मीन यूं लरजती थी जैसे गोया जलजला आ गया है। 10 घंटों की लगातार बमबारी के बाद जर्मन पैदल दस्तों ने पेशकदमी की और पहले रोज दुश्मन की सफ़ों में 4 किलोमीटर तक अंदर घुस गए। कहते हैं उस रोज़ जर्मन्स ने फ्रेंच फोर्सेस पर कम अज़ कम 1 मिलियन गोले फायर किए। अगले 3 रोज़ के दौरान भी जर्मन्स की नॉन स्टॉप पेशकदमी जारी रही। 25 फरवरी को वो सबसे मजबूत फ्रेंच फोर्ट डॉमेंट पर भी काबिज हो गए। इस किले से भी फ्रेंच अपनी तोपें हटा चुके थे। किले की हिफाजत के लिए महज 57 सोल्जर्स तैनात थे, जिन्होंने एक भी गोली चलाए बगैर हथियार डाल दिए। जब इस फतह की इतला जर्मनी पहुंची तो चर्चेज में घंटियां बजाई जाने लगी, स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। दूसरी तरफ ये शिकस्त फ्रांसीसियों के लिए नाकाबले बर्दाश्त थी। उन्हें एक नजात दहिंदा की ज़रूरत महसूस हो रही थी, जो जर्मन्स का रास्ता रोक सके, जो इनका मोराल अप कर सके।
ये नजात दहिंदा उन्हें जल्द ही जनरल फिलिप पेटां की शक्ल में मिल गया। फ्रेंच आर्मी के कमांडर जनरल पेटां को हाई कमान ने फ्रांसीसी सेकेंड आर्मी के साथ रवाना किया। 26 फरवरी को उन्होंने वर्दा में फ्रांसीसी फौज की कमान संभाल ली। इस दौरान दरिया म्यूज के मगरबी किनारे पर वेस्टर्न साइड पर मौजूद फ्रेंच फोर्ट, जिनमें खासी तादाद में तोपें मौजूद थी, उन्होंने मशरकी किनारे पर जर्मन फोर्सेस पर शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। इस बमबारी की वजह से जर्मनों की फोर्ट डॉर्मेंट से आगे पेशकदमी नामुमकिन सी हो गई। इस तरह जनरल पेटां को वक्त मिल गया कि वो दरिया के मशरकी किनारे से ईस्टर्न साइड से अपना दिफा मजबूत कर सके। ये तो दोस्तों आप जान ही चुके हैं कि फ्रांसीसियों के पास वर्दा तक सिर्फ एक ही सड़क थी, यानी एक ही सप्लाई लाइन थी। जनरल पेटां ने फौरी तौर पर 3000 ट्रकों और गाड़ियों का बंदोबस्त किया। ये गाड़ियां बार्लीडोक के रेलवे स्टेशन से वर्दा तक, यानी उसी एक रास्ते पर मुसलसल चक्कर लगाने लगी और रोज़ाना हज़ारों फौजियों और सप्लाईज को पहुँचाने लगी। यानी ये सड़क अब यूँ मसरूफ़ हो गई थी कि किसी भी वक्त गाड़ियों या पैदल सिपाहियों से खाली नहीं होती थी। ये रास्ता जो बार्लीडक से वर्दा तक जाता था, इसे फ्रांस में मुकद्दस समझा जाने लगा। इसीलिए फ्रांसीसियों ने इसका नाम फ्रांसीसी जुबान में मुकद्दस रास्ता रख दिया। वक्त के साथ साथ ये रास्ता फ्रांसीसी मुजाहमत का निशान और जनरल पेटां फ्रेंच नेशन के हीरो बन गए। उन्होंने एक मौके पर अपने स्पीडियर्स को जर्मनों के मुतल्लिक तसल्ली देते हुए कहा कि वो इस रास्ते को क्रॉस नहीं कर सकते, वो यहाँ से नहीं गुजर सकते। दे शैल नॉट पास, अगर इंग्लिश में कहें तो। फ्रांसीसी अवाम में उनका ये फिक्रा बहुत मकबूल हुआ। वैसे भी इस मुकद्दस रास्ते से जो लाखों फ्रेंच फौजी महाज़े जंग पर पहुंच रहे थे, उन्होंने जर्मन फोर्सेस के बढ़ते कदमों को ब्रेक लगा दी थी। जर्मनों को शुरू में तादाद और ताकत का जो एडवांटेज हासिल हो चुका था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन वो अब भी मुसलसल हमले तो किए जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी ईस्टर्न साइड की फोर्सेस पर दरिया की वेस्टर्न साइड्स के किलों से भी बमबारी हो रही है, जो कि उनका यानी जर्मन्स का रास्ता रोकने में अहम किरदार अदा कर रही थी, तो जर्मन्स ने एक फैसला किया। वो ये कि वो वेस्टर्न साइड पर भी अब हमला करेंगे, ताकि वहाँ की तोपें ईस्टर्न साइड पर बमबारी के बजाय अपनी साइड के डिफेंस में मसरूफ़ हो जाएँ। यूँ जर्मनों को ईस्टर्न साइड से आगे बढ़ने में मदद मिल जाएगी। वेस्टर्न साइड से आगे बढ़ने वाली जर्मन फोर्सेस का टारगेट दोस्तों जाहिर है वही किले थे जिनसे बमबारी हो रही थी, लेकिन इन किलों तक पहुंचने के लिए रास्ते की कुछ पहाड़ियों पर कब्जा करना भी बहुत ज़रूरी था। जर्मनों ने इब्तदाई तौर पर नक्शे में दिखाई जाने वाली इन दो पहाड़ियों को टारगेट किया। ये चोटियाँ वर्दा शहर से कम अज़ कम 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ थी। इनमें एक पहाड़ी डेड मैंस हिल कहलाती थी और दूसरी को पहाड़ी 304 कहा जाता था। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं, लेकिन चूंकि बुलंदी पर फ्रांसीसी फोर्सेस ने पोजीशंस ले रखी थी, तो इन पर कब्जा बच्चों का खेल नहीं था। ये बहुत जान जोखों का काम बन चुका था। 6 मार्च को जर्मन फौज इन दोनों पहाड़ियों की तरफ बढ़ी और एक ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो गई। जर्मन्स बार बार इन पहाड़ियों पर हमले करते और कुछ फ्रेंच मोर्चों पर कब्जा भी कर लेते, ताहम फ्रांसीसी फौज हर बार इन्हें पीछे धकेल कर मोर्चे वापस ले लेती। दोनों तरफ के तोपखानों की गनगरज किसी भी लम्हे खामोश नहीं होती थी। वर्दा के महाज पर अब सूरतहाल यूं बन चुकी थी कि दरिया म्यूज की ईस्टर्न साइड पर जर्मन रुके खड़े थे, जबकि वेस्टर्न साइड पर दो पहाड़ियों के लिए शदीद जंग हो रही थी। कई हफ्ते ये जंग इसी तरह जारी रही और आखिरकार दोनों तरफ से हजारों हलाकतों के बाद जर्मन फोर्सेज इन चोटियों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। जर्मनों का जानी नुकसान इतना ज्यादा हो चुका था कि उन्होंने यहीं पर मोर्चा बना लिया, यानी वो रुक गए और स्टेलमेट हो गए। अलबत्ता दोनों तरफ से तोपखाने की बमबारी उसी तरह जारी रही। डेड मैंस हिल पर इस लड़ाई की एक यादगार भी बनाई गई है दोस्तों। ये एक मसनू इंसानी ढांचा है जो एक हाथ में फ्रांसीसी परचम थामे फतह का ऐलान कर रहा है। इसके नीचे फ्रेंच कमांडर का वो मशहूर फिक्रा भी फ्रांसीसी जुबान में लिखा है कि वो यहाँ से नहीं गुजर सकते। तो खैर, यहाँ पहुंचकर दोनों फौजें स्टेलमेट तोड़ने के लिए जोर लगाने लगी, मगर कामयाबी किसी के हिस्से में नहीं आ रही थी। उधर 1 मई को फ्रेंच कमांड में एक तब्दीली आ गई। वो ये कि जनरल पेटां को वेस्टर्न फ्रंट पर फौज के ज्यादा बड़े हिस्से का कमांडर बनाकर वर्दा से दूर भेज दिया गया। उनकी जगह एक दूसरे कमांडर जनरल रॉबर्ट नोवेल को इस महाज पर लाया गया। जनरल रॉबर्ट ने कमान संभालते ही जर्मनों से किला डॉर्मेंट वापस लेने की तैयारियां शुरू कर दी। 22 मई की सुबह फ्रांसीसी तोपखाने ने फोर्ट डॉर्मेंट पर शदीद बमबारी शुरू कर दी। इस बमबारी की आड़ में हजारों फ्रांसीसी फौजी किले की तरफ बढ़े और इसके सहन में दाखिल हो गए, लेकिन उस वक्त तक जर्मन्स भी होशियार हो चुके थे। उन्होंने किले में नस्ब हर तोप और हर मशीन गन का रुख फ्रांसीसियों की तरफ कर दिया।
आनन फानन बेशुमार सिपाही ढेर हो गए और बचे खुचे भाग निकले। इस पूरे हमले में कम से कम 5,000 फौजी हलाक, जख्मी या गिरफ्तार। फोर्ट डोमेंट पर फ्रेंच हमले की नाकामी ने वक्ती तौर पर जर्मन फोर्सेज का मोराल बुलंद कर दिया। उन्होंने जबरदस्त तैयारियों के बाद वर्दा पर एक और आखिरी हमला किया। ये हमला एक ऐसे हथियार से लेस होकर किया गया था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत ही खतरनाक हथियार था, शायद सबसे खतरनाक हथियार। ये हथियार था जहरीली गैस। जून के शुरू में जर्मनों ने फोर्ट डोमेंट के करीब एक और फ्रांसीसी किले वॉक्स पर भरपूर हमला किया। इस किले में 400 फौजी तैनात थे। इन फौजियों ने चंद रोज तक डटकर जर्मन फोर्सेस का मुकाबला किया। ताहम इस दौरान उनके पास खाने और खुसूसन पीने का सामान खत्म हो चुका था। भूखे प्यासे सिपाही ज्यादा दिन मुकाबला नहीं कर सके। फिर ये हुआ कि इसी दौरान जर्मन फौजी टनल के जरिए किले के अंदर दाखिल हो गए और फ्रेंच सोल्जर्स को, जो कि भूखे प्यासे थे, उन्हें सरेंडर पर मजबूर कर दिया। अब उनके सामने तीसरा अहम तरीन किला फोर्ट सोवेल था। ये वर्दा से महज 5 किलोमीटर दूर था। इससे शहर को बराह रास्त निशाना बनाना आसान था। यूं समझ लीजिए कि फोर्ट सोवेल पर जर्मन कब्जे का मतलब था वर्दा पर कब्जा, वर्दा की फतह। 23 जून को जर्मन्स ने फोर्ट सोवेल की तरफ पेशकदमी शुरू की। उन्होंने फ्रेंच फोर्सेस पर जहरीली गैस के 1,00,000 शेल्स फेंके। वैसे आपको बताएं कि जर्मन्स ने ट्रेंच वॉरफेयर का स्टेलमेट तोड़ने के लिए इसी वेस्टर्न फ्रंट पर पहले ही जहरीली गैस का इस्तेमाल शुरू कर रखा था। 1915 में उन्होंने बेल्जियम में एप्रा की लड़ाई के दौरान बड़े पैमाने पर जहरीली गैस इस्तेमाल की थी। इससे हजारों एलाइड सोल्जर्स की आंखें और फेफड़े मुतासर हो चुके थे। ताहम इसके बावजूद जर्मन्स इस महाज पर ज्यादा पेशकदमी नहीं दिखा सके थे, आगे नहीं बढ़ सके थे। गैस हमलों के बाद एलाइड पावर्स ने अपने सोल्जर्स को गैस मास्क फराहम कर दिए थे। हत्ता के जानवर भी गैस मास्क पहनते थे। वर्दा में भी फ्रेंच सोल्जर्स के पास गैस मास्क पहुंच चुके थे। इसलिए जर्मन्स के गैस हमले ने मैदान जंग के नक्शे पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं डाला। 11 और 12 जुलाई को 2 रोज तक जर्मन्स इस किले पर कब्जे की कोशिशें करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। वर्दा में फ्रेंच सोल्जर बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन उनके कमांडर को खौफ था कि कहीं उनके सोल्जर्स हिम्मत न हार दें और जर्मन्स कामयाब ना हो जाएं। चुनाचे उन्होंने अपने इत्तेहादियों बरतानिया और रूस से दरख्वास्त की कि जर्मनी के खिलाफ नए महाज खोले जाएं ताकि फ्रांस को वर्दा में रिलीफ मिल सके। चुनाचे एलाइड पावर्स ने 3 नए महाज खोल दिए। जून 1916 में ईस्टर्न फ्रंट पर रशियंस ने ब्रुसिलोव ऑफेंस शुरू कर दिया। ये हमला यूक्रेन में जर्मनी के इत्तेहादी ऑस्ट्रिया के खिलाफ किया गया था। तकरीबन 4 माह जारी रहने वाले इस हमले में 10 से 15 लाख ऑस्ट्रेलियंस हलाक, जख्मी या गिरफ्तार हो गए। ऑस्ट्रेलियंस के जबरदस्त नुकसान देखते हुए रोमानिया भी रूस की हमायत में कूद पड़ा ताकि ऑस्ट्रिया के इलाके छीने जा सकें। रशियंस और रोमानियन हमलों से घबरा कर ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से मदद मांगी। जवाब में जर्मन फौज का एक बड़ा हिस्सा वर्दा से हटाकर ईस्टर्न फ्रंट पर मुंतकिल करना पड़ा, जो कि जर्मन्स ने कर दिया। इस वक्त तक जर्मन शहनशाह काइजर वर्दा में फतह से मायूस हो चुके थे। उन्होंने इस जंग के मास्टरमाइंड जनरल फॉल्कनहाइन की डिमोशन करके उन्हें रोमानिया के महाज पर ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि मैदान जंग में अलामती तौर पर तो काइजर के बेटे फ्रेडरिक विल्हेलियम भी मौजूद थे और मुहिम को बाहर लीड कर रहे थे। हाँ, ये अलग बात है कि वो भी जनरल फॉल्कनहाइन से ही हदायत लेते थे। अब जनरल फॉल्कनहाइन की जगह रूसियों के खिलाफ टेनबर्ग की लड़ाई के हीरो जनरल हैंडनबर्ग को मरकजी कमांडर बना दिया गया। जर्मनी के खिलाफ तीसरा महाज वेस्टर्न फ्रंट पर बरतानिया और फ्रांस ने खोल दिया था। ये सोम का महाज था जहां के 1 जुलाई को बरतानवी और फ्रांसीसी फौज ने जर्मन्स के खिलाफ एक बड़ा अटैक किया। चुनाचे वर्दा के महाज से और जर्मन फौजियों को हटाया गया और यहां भेज दिया गया। यूं वर्दा में जर्मन फोर्सेज की तादाद कम से कमतर होने का सिलसिला जारी रहा। इसका फायदा फ्रांसीसी फौज ने खूब उठाया और जवाबी हमला कर दिया। 24 अक्टूबर से 18 दिसंबर तक जारी रहने वाले इस हमले में फ्रेंच फोर्सेज ने फोर्ट वॉक्स और फोर्ट डोमेंट समेत तमाम अहम पोजीशंस वापस ले लीं। जर्मन्स को उस पॉइंट तक वापस धकेल दिया गया जो आप नक्शे में देख रहे हैं। लेकिन ये किले जो अब फ्रेंच के हाथ दोबारा लगे थे, वो बुरी तरह तबाह हो चुके थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फोर्ट डोमेंट किले की जंग से पहले की है, लेकिन जंग के बाद ली गई इस दूसरी तस्वीर में देखिए कि इसका बैरूनी हिस्सा किस बुरी तरह कुचला जा चुका है, तबाह बर्बाद हो चुका है। हाँ, अलबत्ता इसके तय खाने वाले हिस्से सलामत थे और ये आज भी मौजूद हैं।
इस लड़ाई के दौरान 15 से 18 दिसंबर के दौरान यानी 3 रोज में 11,000 जर्मन फौजी कैदी बने। 18 दिसंबर को जर्मन कमांडर हिंडनबर्ग ने वर्दा के महाज पर तमाम हमले रोकने का हुक्म जारी कर दिया। लड़ाई सरकारी तौर पर खत्म हो गई थी। बैटल ऑफ वर्दा 302 रोज तक जारी रही थी। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तवील तरीन लड़ाई थी। इसमें बाजार फ्रांस को शानदार फतह हासिल हुई थी, लेकिन इसकी ह्यूमन कॉस्ट इंसानी कीमत उसे बहुत बड़ी अदा करना पड़ी थी। बल्कि फ्रेंच ने तो जर्मन से कहीं ज्यादा जानी नुकसान उठाया था। एक अंदाजे के मुताबिक फ्रांसीसी फौज के 4,78,000 फौजी हलाक, जख्मी या लापता हुए थे, जबकि जर्मन्स का यही नुकसान 3,29,329 था। मारे जाने वालों में जर्मनी के एक मशहूर पेंटर आर्टिस्ट फ्रांस मार्क भी शामिल थे। बैटल ऑफ वर्दा की एक और हैरान कुन बात यह है कि दोनों तरफ से 4 से 6 करोड़ गोले फायर किए गए थे। दोनों तरफ से 70% जानी नुकसान इसी तोपखाने की वजह से हुआ। बमबारी से मारे गए तकरीबन 1.5 लाख फौजियों की लाशें देखकर पहचान करना मुश्किल हो गया था कि ये जर्मन लाश है या फ्रेंच। चुनाचे सब फौजियों की बाकियात को एक ही जगह वर्दा के करीब ही इस बड़ी सी इमारत में दफन कर दिया गया। इस इमारत के बाहर भी एक कब्रिस्तान है जिसमें 16,000 से ज्यादा कब्रें हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए फ्रेंच सोल्जर्स जिनकी शिनाख्त हो गई थी उनका सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। इस जंग की एक और खौफनाक हकीकत यह थी कि वर्दा के करीब कम अज कम 9 देहात बमबारी की वजह से सफाए हस्ती से मिट गए थे। इन देहात को दोबारा भी नहीं बसाया जा सका क्योंकि इस इलाके में लाखों गोले बगैर चले जमीन तले दब गए थे जिनके फटने का खदशा हर वक्त मौजूद था। देहात तो दोबारा तमीर नहीं किए गए दोस्तों, लेकिन इन सब की जगह यादगार के तौर पर बोर्ड्स आज भी नस्ब हैं और इन्हें मुकामी नक्शों पर भी बरकरार रखा गया है। आबादी वाले इलाकों की तरह इन देहात के मुकामी सिंबॉलिक मेयर्स भी मुकर्रर किए जाते हैं और इन मेयर्स की ड्यूटी ये है कि वो इन देहात की ज़मीनों में जो चंद एक खंडरात बाकी हैं उन्हें महफूज रखने के लिए काम करें। इसके अलावा इन देहात में खुदाई करके वहाँ मौजूद बारूद को हटाने का सिलसिला भी आज तक जारी है, लेकिन ये काम बहुत एहतियात से किया जाता है। इसी वजह से इसकी रफ्तार बहुत सुस्त है, इतनी सुस्त कि इस इलाके को मुकम्मल क्लियर करने में कई सदियाँ लगेंगी। साथियों, वर्दा की लड़ाई जर्मन्स हार गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपनी फतह पर ख़त्म करने का जर्मन ख्वाब और खसूसन शाही ख्वाब चकनाचूर हो गया था, लेकिन अब एलाइड पावर्स सोम के महाज पर एक बड़ा हमला शुरू कर चुकी थी। ये तारीख की पहली जंग थी जिसमें लोहे के द्योहकल हथियारों ने भरपूर हिस्सा लिया। ये लोहे के बड़े बड़े हथियार टैंक्स थे। बैटल ऑफ सोम स्टील और ह्यूमन स्किन की ऐसी लड़ाई बनी कि हर 5वें सेकंड में एक इंसान लुकमाए अजल बनने लगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सबसे खूनी जंग की कहानी भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस सिलसिले की अगली किस्त। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स का एक सबसे खतरनाक हथियार मशीन गन था। यह अपने दौर की एक ऐसी ईजाद थी जिसके सामने कोई बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं ठहर सकती थी। जब अलाइड पावर्स यानी बरतानिया और फ्रांस के सोल्जर्स अपनी खंदकों से ट्रेंचेस से निकलकर जर्मन ट्रेंचेस की तरफ हमले के लिए बढ़ते तो जर्मन्स की मशीन गन्स हजारों ब्रिटिश और फ्रांसीसी सोल्जर्स को सेकेंड्स में हलाक करके गिरा देती। इसका तोड़ अलाइड पावर्स की समझ से बाहर था। ऐसे में क्या हुआ कि एक ब्रिटिश कर्नल स्विंटन को एच जी वेल्स की एक साइंस फिक्शन कहानी याद आ गई। कहानी में लोहे की एक ऐसी गाड़ी का तस्वीर पेश किया गया था जिस पर गोली वोली असर नहीं करती। कर्नल स्विंटन ने ये आइडिया अपने कमांडर को दिया, जहां से ये ख्याल फिर होता होता नेवी मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल तक जा पहुंचा। उन्होंने इसी ख्याल के मुताबिक फौलाद में ढली एक गाड़ी बनाने का एक खुफिया प्रोजेक्ट शुरू भी करवा दिया। जासूसों को दुश्मन स्पाइस को धोखा देने के लिए इस आर्मर्ड व्हीकल लोहे की गाड़ी का नाम पानी ले जाने वाले टैंक के नाम पर टैंक रखा गया, ताकि अगर किसी को इसकी सुन भुन मिल भी जाए तो वो प्रोजेक्ट की बारीकी को ना समझ सके। उस दिन से आज तक जमीनी जंग के इस नए और जबरदस्त हथियार को दोस्तों टैंक ही कहा जाता है, हालांकि ये पानी तो लेकर नहीं जाता। मैं हूं फैसल राइज और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चौथी किस्त में हम आपको टैंकों की एक बड़ी जंग की कहानी ही दिखा रहे हैं।
My curious fellows, 1916 में बर्तानिया और फ्रांस वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मन्स के खिलाफ बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे ताकि जर्मन फोर्सेस को फ्रांसीसी सरजमीन से पीछे धकेला जा सके और दूसरे महाजों से उनकी तवज्जो हटाई जा सके, जैसे कि वर्दा के महाज पर से। एलाइड पावर्स ने हमले के लिए द्रै सोम के इलाके को मुंतखब कर लिया था। यहाँ 37 किलोमीटर तक ट्रेंचेस यूं बिछी हुई थीं कि एक तरफ एलाइड पावर्स के मोर्चे थे और दूसरी तरफ जर्मन्स की डिफेंस लाइंस थी। दोनों तरफ से कोई भी फौजी अपनी ट्रेंच से, अपनी खंदक से सर उठाता तो दूसरी तरफ से आने वाली गोली उसका भेजा उड़ा कर रख देती। जर्मन डिफेंस ट्रेंचेस इनकी खंदकें तीन तहों में आगे पीछे बिछी हुई थी। पहली और दूसरी लाइन के दरमियान में खाली जगह थी जिसे नो मैंस लैंड कहते थे, जहां कोई फौजी मौजूद नहीं था, कोई इंस्टॉलेशन भी नहीं थी। जर्मन ट्रेंचेस के नीचे दोस्तों 40 फीट की गहराई तक तहखाने भी मौजूद थे जिनमें बमबारी के वक्त पनाह ली जा सकती थी। ट्रेंचेस की हर लाइन के आगे खारदार तारें, बॉब्ड वायर्स का एक बड़ा सा जाल भी बिछा हुआ था। इस जाल के पीछे ट्रेंचेस के अंदर हैवी मशीन गन्स नस्ब थी। इनमें ज्यादातर MG-08 गन्स थी। ये मशीन गन्स एक मिनट में कम से कम 500 गोलियां फायर कर सकती थीं। मशीन गन्स का हमला भी तजुर्बाकार था, बैटल हार्डन था। एलाइड सोल्जर्स को इन्हीं खतरनाक जर्मन मशीन गन्स का सामना हर सूरत करना था। बरतानवी फोर्स जो जर्मन्स पर हमले के लिए आ रही थी, ये फोर्थ ब्रिटिश आर्मी कहलाती थी। इस फौज में ज्यादातर सिपाही पहली बार मैदान जंग में आ रहे थे। ब्रिटिश फोर्स के मरकजी कमांडर डगलस हैक और फोर्थ आर्मी के कमांडर जनरल रॉलिंसन ने एक प्लान बनाया। वो ये कि जमीनी हमले से पहले ब्रिटिश तोपखाना जर्मन फोर्सेस पर इतनी शदीद बमबारी करेगा कि उनके तमाम मोर्चे मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। इसके बाद नौजवान बरतानवी फौजी अपनी पोजीशंस से बाहर निकलेंगे और चलते हुए जाकर जर्मन पोजीशंस पर, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर कब्जा कर लेंगे। इस तरह ज्यादा जानी नुकसान उठाए बगैर उन्हें फतह मिल जाएगी। इस प्लान के तहत बरतानवी फौज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। ब्रिटिश पोजीशंस के पीछे नए रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए, सड़कों की मरम्मत की गई, 3000 तोपें और ताजादम फौजी दस्ते भी इस महाज पर पहुंचा दिए गए। इनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान के फौजी भी शामिल थे। उधर फ्रांस ने भी अपने कब्जे वाले शुमाली अफ्रीका और दीगर ममालिक से बड़ी तादाद में फौजी बुला लिए थे। यूं सोम के महाज पर 25 ममालिक 25 कंट्रीज की अफवाज जमा हो चुकी थी। इस महाज पर कुल फौज की तादाद जर्मन फोर्सेस को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो तकरीबन 30 लाख हो चुकी थी। 3 मिलियन सोल्जर्स सोम के महाज पर जमा हो चुके थे। इतने बड़े महाज पर दोस्तों एक राज लेकिन छुपा हुआ था। वो ये कि जर्मनों को बरतानवी प्लान का इल्म हो चुका था, राज राज नहीं रहा। जर्मन्स के पास पूरी इंटेलिजेंस थी कि सोम के महाज पर एक बड़ा हमला किस तरह से होने वाला है। उन्होंने भी इंतजाम शुरू कर दिए थे। मोर्चों में ताजा दम दस्ते भेज दिए गए थे। ट्रेंचेस में मौजूद फोर्सेस को सिग्नल्स भेजे जा रहे थे कि वो किसी भी अचानक हमले के लिए तैयार रहें। जर्मन्स ने अटैक से निपटने के लिए बड़ी तादाद में तोपें और गोला बारूद भी जखीरा कर लिया था। 24 जून 1916 के रोज बरतानवी अटैक शुरू। एक हफ्ते तक, 7 दिन तक ब्रिटिश तोपखाना दिन रात गोले बरसाता रहा। रात को तो यूं लगता था गोया आतिशबाजी हो रही है। बमबारी साथियों इतनी शदीद थी कि एक ब्रिटिश कैप्टन ने अपने घर वालों को लिखा कि भाई इधर हम दुनिया की आखिरी जंग लड़ रहे हैं, आर्मागेडन जारी है। आप सोचें कि अगर ब्रिटिश को यह लग रहा है तो जर्मन्स को क्या लग रहा होगा। बरतानवी फोर्सेज ने दोस्तों कम से कम 15 लाख गोले इस दौरान फायर किए, लेकिन इनमें से 1/3 एक तिहाई गोले फट ही नहीं सके। लिहाजा सिर्फ पहली जर्मन दिफाई लाइन ही तबाह हो सकी। दूसरी और तीसरी जर्मन लाइंस को बहुत थोड़ा नुकसान पहुंचा। 6 दिन की बमबारी के बाद 7वें रोज 1 जुलाई की सुबह 7:30 बजे ब्रिटिश फोर्स ने जमीनी हमला शुरू कर दिया। पहली जर्मन डिफेंस लाइन तो उन्होंने आसानी से अबूर कर ली कि वहां तो बचा ही कुछ नहीं था और ये लोग पहले से तैयार थे। लेकिन जब वो पहली और दूसरी लाइन के दरमियान नो मैंस लैंड में दाखिल हुए तो सेकेंड लाइन में बैठे जर्मन तैयार थे। वो हाइडआउट से निकलकर पोजीशंस संभाल चुके थे। उन्होंने अपनी मशीन गन्स के मुंह खोल दिए। बरतानवी फौजियों की लाशों के ढेर लगने लगे क्योंकि वो सीधे आगे बढ़ते आ रहे थे और यही उनको ऑर्डर मिला था। फिर उनके कंधों पर 30-30 किलो से ज्यादा का सामान भी था। उनके पास गोलियों और खाने पीने के अलावा कुदालें और बेलचे भी थे ताकि दुश्मन के मोर्चों पर कब्जे के बाद वो उसे महफूज बनाने के लिए आसानी से काम कर सकें।
इस सब का दोस्तों खौफनाक नतीजा ये निकला कि महज एक घंटे के अंदर 30,000 बरतानवी फौजी नो मैंस लैंड में मारे गए या शदीद जख्मी होकर गिरते रहे। लेकिन ब्रिटिश कमांडर्स अब भी इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने इस फौज के पीछे मजीद 60,000 जवान रवाना कर दिए, यानी कुल 1,20,000 120,000 सोल्जर्स को मैदान में उतार दिया गया। इसका नतीजा ये निकला कि नो मैंस लैंड का एरिया ब्रिटिश सोल्जर्स का किलिंग ग्राउंड बन गया, कब्रिस्तान बन गया। जर्मन्स की शदीद फायरिंग ने बरतानवी फौज के बढ़ते हुए कदम रोक दिए थे। इस जंग में कुछ ब्रिटिश कमांडर्स ने अपने फौजियों को फुटबॉल भी दिए थे कि जो सोल्जर फुटबॉल को पहले किसी जर्मन ट्रेंच में फेंकेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक पुरजोश फौजी दस्ते ने तो अपने फुटबॉल पर द ग्रेट यूरोपियन कप लिख भी दिया था। लेकिन साथियों, ये कोई खेल थोड़ी था। मैदान जंग में जरा गर्द छटी तो सबने देखा कि इन जैसे कई नौजवान फौजियों की लाशें अपने फुटबॉल्स के पास पड़ी हुई थी। इस दस्ते के कई अफसर भी मारे जा चुके थे, यानी ना तो इनाम देने वाले रहे थे और ना लेने वाले। हाँ, कुछ ऐसे थे जो अपने साथियों की जान बचाने के लिए यादगारें जरूर रकम कर रहे थे, जैसे कि एक ब्रिटिश सोल्जर विलियम मैकफेंजन के हाथ से पिन निकले हुए कुछ हैंड ग्रेनेड गिरे तो वो इनके ऊपर कूद गया। उसके खुद तो परखचे उठ गए जब वो हैंड ग्रेनेड फटा, लेकिन इसके गिर्द चलते हुए साथी बच गए। इस बहादुरी पर विलियम को सबसे बड़ा ब्रिटिश मेडल विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। बहादुरी का ये मुजाहरा दोस्तों दोनों तरफ से हो रहा था, इसलिए ब्रिटिश फोर्सेस बेबस दिखाई दे रही थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स नाकाम दिखाई दे रहे थे तो करीब ही उनके इत्तेहादी फ्रांसीसी फौजी कामयाब होते जा रहे थे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि जर्मन्स के लिए फ्रेंच फोर्सेस का हमला ब्रिटिश हमले के बरक्स बहरहाल एक सरप्राइज था। फ्रेंच मोर्चों के सामने जो जर्मन ट्रेंचेस थी उनमें फौजी भी कम थे और उनके पास ज्यादा असलाह भी नहीं था। फिर फ्रांसीसी फौजी जर्मन मशीन गन्स की ताकत से वाकिफ थे और मुकाबले के लिए तैयार होकर आए थे। वो जमीन पर जिस हद तक मुमकिन हो झुक कर दौड़ते हुए आगे बढ़ते थे। फ्रांसीसी फोर्स ने भी नुकसान तो उठाया लेकिन बरतानवी इत्तेहादियों से बहुत कम। इस कम अज कम नुकसान के साथ दोस्तों फ्रांसीसियों ने न सिर्फ जर्मन मोर्चों पर कब्जा किया बल्कि 5,000 के करीब जर्मनों को कैदी भी बना लिया। तो माय क्यूरियस फेलोज, जब फर्स्ट जुलाई 1916 का सूरज गुरूब हुआ तो एक दिन के एडवांस में इन वन डे दोनों तरफ से 80,000 सोल्जर्स हलाक या जख्मी हो चुके थे। 60,000 बरतानवी हलाक और जख्मी हुए, जबकि जर्मन्स के 12,000 और फ्रेंच फोर्सेस का नुकसान 7,000 था। ये इतना बड़ा नुकसान था कि हर 4.5 सेकेंड में एक इंसान मर रहा था। ये उस तारीख तक ब्रिटिश मिलिट्री का सबसे बड़ा जानी नुकसान था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी सबसे खूनी दिन था। जख्मी फौजी मैदान जंग में इतने बड़े पैमाने पर बिखरे हुए थे कि सबको एक ही रोज उठाकर अस्पताल ले जाना नामुमकिन था। उन्हें हटाने का काम कई रोज तक चलता रहा। सो न जाने कितने ही वो जख्मी फौजी थे जो बरवक्त मेडिकल एड न मिलने की वजह से जान गंवा बैठे और यही मैदान उनकी कब्र बन गया। एक दिन के एडवांस में दोस्तों इतना भारी नुकसान देखकर ब्रिटिश कमांडर्स घबरा गए थे, लेकिन इस पर भी उन्होंने हमला नहीं रोका। उन्होंने 2 जुलाई से यानी अगले ही रोज दोबारा एक और हमला कर दिया। ये लड़ाई फिर अगले 4.5 माह तक जारी रही और इसमें मजीद फौजियों को झोंका जाता रहा। लेकिन पहले दिन के नुकसान से बरतानवी फौज ने सबक बहरहाल सीख लिया था और अब वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। इसी वजह से उन्हें दोबारा पहले दिन जितना जानी नुकसान नहीं उठाना पड़ा, लेकिन हलाकतें बहरहाल मुसलसल हो रही थी। दूसरी तरफ जर्मन्स भी अपनी हर दिफाई लाइन के एक एक इंच के लिए लड़ रहे थे, मर रहे थे। हर मोर्चे पर कब्जे के लिए बरतानवी फौजियों को बंदूकों, संगीनों और हत्ता के हाथों तक से लड़ना पड़ रहा था। दू बदू लड़ाई तक बात पहुंच चुकी थी। बाज़ औक़ात तो जर्मन्स फ्लेम थ्रोअर्स की मदद से हमलावरों को जला भी देते थे। जिन ट्रेंचेस पर दुश्मन यानी एलाइड पावर्स के सोल्जर्स काबिज हो जाते थे, जर्मन उसको दोबारा कब्जे में लेने के लिए काउंटर अटैक्स भी कर रहे थे। यानी इस तरीके से उन्होंने दुश्मन की पेशकदमी को सुस्त कर रखा था। इस दौरान यह हुआ कि बरसात भी शुरू हो गई, इतनी बारिशें हुई कि मैदान जंग में कीचड़ हो गया और तोपों को हरकत देना, बारूद ले जाने वाली घोड़ा गाड़ियों को चलाना बहुत मुश्किल हो चुका था। ब्रिटिश आर्मी ने इस महाज पर जहरीली गैस भी फैलाई, जिसकी आड़ में ब्रिटिश फौजी गैस मास्क पहने दुश्मन पर हमला करते थे। तहम ये तकनीक भी ज्यादा कामयाब नहीं रही। जब बरतानिया ने देखा कि उसकी फौजें दुश्मन को यानी जर्मन्स को शिकस्त देने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो रही, तो उसने अपना सबसे ताकतवर हथियार
मैदान में उतार दिया। ये हथियार जर्मन मशीन गन्स का बेहतरीन तोड़ था और खास तौर पर ट्रेंचेस तबाह करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। इस हथियार का नाम था टैंक। माय क्यूरियस फेलोज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टैंक्स अभी तरक्की के इब्तदाई मराहल में थे। बर्तानिया में 1915 में 1915 में टैंक्स के कुछ इब्तदाई मॉडल्स तैयार करके इनके टेस्ट किए गए थे। होते होते मार्क वन टैंक तैयार हुए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फिर इस्तेमाल किए गए। इन्हें मेल और फीमेल कैटेगरीज में तकसीम किया गया था। मेल टैंक्स जो थे उनमें कम से कम दो तोपें और तीन मशीन गन्स नस्ब होती थीं, जबकि फीमेल टैंकों में सिर्फ मशीन गन्स थीं, तोपें नहीं हुआ करती थीं। हर टैंक के पीछे दो बड़े पहिए भी लगे होते थे जो उसे आगे बढ़ने में मदद देते थे। इन फौलादी मशीनों पर आम गोलियां तो असर नहीं करती थीं, इन्हें सिर्फ तोप के गोलों से ही तबाह किया जा सकता था। इसके अलावा ये दुश्मन के मोर्चों के बाहर मौजूद बार्ब्ड वायर्स को कुचलते हुए ट्रेंचेस तक पहुंच जाते थे और उन्हें कुचल देते थे, उन्हें गिरा देते थे, उसका रास्ता ऊपर से बंद कर देते थे। यानी ट्रेंच वॉरफेयर का स्टेलमेट तोड़ने के लिए ये बेहतरीन मशीन थी। तो अब बर्तानिया ने सोम के महाज पर इन्हीं टैंक्स को उतारने का फैसला कर लिया था। 15 सितंबर 1916 के रोज पहली मरतबा 32 मार्क वन टैंक मैदान जंग में भेज दिए गए। इनकी मौजूदगी को इस कदर खुफिया रखा गया था कि हमले की सुबह तक बहुत से बरतानवी फौजियों को भी मालूम नहीं था कि महाज पर उनकी तरफ से टैंक आगे जाएंगे। 15 सितंबर की सुबह जब टैंक चलना शुरू हुए, उन्होंने मूवमेंट शुरू की, तो उनका शोर इतना था कि जर्मन तो जर्मन, बरतानवी फौजी भी घबरा गए और मोर्चों से बाहर निकलकर झांकने लगे कि ये क्या हो रहा। वो सब हैरान थे कि ये किस किस्म का हथियार हमारे सामने आ गया। मार्क वन टैंक्स को इस तरह मैदान में भेजा गया था कि इनके पीछे पीछे पैदल दस्ते भी आ रहे थे। इसके अलावा ब्रिटिश तोपखाना भी मुसलसल जर्मन मोर्चों पर गोलाबारी कर रहा था, लेकिन उस गोलाबारी को इस तरह से अरेंज किया गया था कि दरमियान में थोड़ी थोड़ी विंडोज रखी गई थी और ये वही जगह थी जहाँ पर टैंकों ने चलना था और उनके पीछे पैदल फोर्सेज थी, ताकि टैंक्स इन्हीं विंडोज से गुजर कर दुश्मन की ट्रेंचेस तक पहुँच सकें और उन्हें तबाह कर सकें। लेकिन दोस्तों, इन टैंक्स की रफ्तार इंतहाई कम थी, महज 3 मील फी घंटा। इससे तो पैदल सिपाही आगे निकल निकल जाते थे। फिर इन टैंकों में कई फनी खराबियां भी उस वक्त देखने में आईं। कम से कम 14 टैंक्स ऐसे थे जो रास्ते में या तो बंद हो गए या फिर कीचड़ और गड़ों वगैरह में फंस कर रुक गए। बाकी 18 टैंक्स में से 10 को जर्मन्स ने गोलाबारी करके तबाह कर दिया। सिर्फ 8 टैंक्स अपनी तय करदा पोजिशंस पर टारगेट्स तक पहुँचने में कामयाब रहे। जंगी टैंक्स अपनी पहली लड़ाई में दोस्तों कोई कारनामा अंजाम देने में नाकाम हो गए थे। तहम इस लड़ाई में बरतानवी फौजियों को कुछ फतह मिल गई थी और थोड़ा सा एरिया उनके कब्जे में आ गया था। द बैटल ऑफ सोम 1 जुलाई से 18 नवंबर तक, यानी 1 जुलाई से 18 नवंबर तक 1916 में जारी रही, तकरीबन 141 दिन 141 डेज। 18 नवंबर को ब्रिटिश जनरल हेग ने यह हमला ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। इस जंग में अलाइड पावर्स यानी बरतानिया और फ्रांस ने महज 6 माइल्स पेशकदमी की थी, यानी तकरीबन 10 किलोमीटर तक। 10 किलोमीटर पेशकदमी के दौरान दोनों तरफ से 1 मिलियन से जायद फौजी हलाक या जख्मी हो चुके थे। यानी हर 1 किलोमीटर पर कम अज़ कम 1 लाख फौजियों की लाशें पड़ी थी। हलाक होने वालों में उस वक्त के बरतानवी वज़ीर आज़म का 37 साल बेटा रेमी नस्क्वेथ भी शामिल था। इसके अलावा बरतानवी पार्लियामेंट के 2 अराकीन भी इस जंग में मारे जा चुके थे, जबकि मुस्तकबिल के बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हेराल्ड मैकमेलन इस लड़ाई में 2 बार जख्मी हुए। वो बाद में 1957 से 1963 तक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर दोस्तों रहे। इस लड़ाई में बरतानवी फौज के कुल 4,20,420 जवान हलाक या जख्मी हुए। फर्स्ट बैटल ऑफ द सोम में फ्रांसीसी फौज को 1,94,000 लाशें या जख्मी उठाने पड़े। जर्मनों का जानी नुकसान था 4,40,440 हलाक या जख्मी। सोम के महाज पर दोस्तों जर्मनी के फ्यूचर चांसलर एडोल्फ हिटलर भी जंग लड़ रहे थे। दुश्मन की फायरिंग से उनकी टांग जख्मी हो गई थी। तहम कुछ अरसा अस्पताल में रहने के बाद वो सेहतयाब हो गए और वेस्टर्न फ्रंट पर लौट आए। सोम के महाज पर बरतानिया और फ्रांस यानी एलाइड पावर्स को वाज़ेह शिकस्त हुई थी। इस तरह स्टेलमेट तोड़ने और जंग को जल्द ख़त्म करने की एलाइड एफर्ट नाकाम हो गई थी, बल्कि ये जंग जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म करने के लिए शुरू की गई थी, वो वेस्टर्न फ्रंट पर सबसे खूनी जंग साबित हो चुकी थी।
तहम बरतानवी जनरल हेक फिर भी बज़िद थे कि हम तो सोम की जंग जीत गए हैं, हम कब हारे हैं। उन्होंने लंदन में अपनी हुकूमत को इस हवाले से जो रिपोर्ट लिखी उसमें फतह का ऐलान किया गया था। उन्होंने लिखा कि सोम की वजह से वर्दा के महाज पर फ्रेंच फोर्सेस को रिलीफ मिल चुका है, जर्मनों की फौज का बड़ा हिस्सा वेस्टर्न फ्रंट पर आकर फंस चुका है और दुश्मन की ताकत में खासी कमी आई है। ये नतायज सोम की लड़ाई को जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी हैं, ये उन्होंने लिखा। इसके मुकाबले में साथियों, जनरल हेक के मुखालफिन सोम की बैटल को, सोम की जंग को बरतानिया की शिकस्त मान रहे थे। डेविड लॉयड जॉर्ज, जो सोम की लड़ाई के बाद 1916 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने भी इस लड़ाई पर तनकीद की। उन्होंने कहा, हमारे 4 लाख से ज़ायद जवान एक फजूल लड़ाई में मरवा दिए गए हैं। मैक्यूरस फेलो, सोम के महाज पर तो बरतानिया और फ्रांस एलाइड पावर्स नाकाम हो गई थी, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट से हज़ारों मील दूर एक और महाज पर उन्हें कामयाबी की पूरी उम्मीद थी। ये महाज था मिडल ईस्ट, मशरक़ वुस्ता का महाज, जहाँ उनका मुकाबला ऑटोमन एम्पायर से, सल्तनत उस्मानिया से था। 1916 में हिजाज के अरब हुक्मरान ब्रिटिश एजेंट लॉरेंस ऑफ अरेबिया की कमान में तुर्कों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। बरतानिया की नज़रें ऑटोमन एम्पायर के इन्हीं इलाकों, जो आज फलस्तीन और शाम में शामिल हैं, इन पर घड़ी हुई थी। इन इलाकों पर कब्जे का मतलब ये था कि कम अज़ कम एक सेंट्रल पावर यानी ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक ऐसी कैंपेन का आगाज़ होता है जिसमें पहली बार अरब और यहूदी फौजी एक ही परचम तले ऑटोमन आर्मी के खिलाफ लड़ने लगे थे। ये कैंपेन क्या थी? फ्रांसीसी कमांडर सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर क्या करने गए थे और क्या बोले थे? अरबों को तुर्कों से बेवफाई का सिला क्या मिला था? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सीरीज की अगली 5वीं किस्त में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का सबसे कमजोर इत्तेहादी ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया हर तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ था। अंग्रेज, फ्रांसीसी, रूसी, हिंदुस्तानी, अरब और यहूदी सब इस पर हमलावर थे। ऑटोमन एम्पायर में अरब हुक्मरान भी इनसे बगावत कर चुके थे। एक ज्यूश फोर्स फलस्तीन पर हमले के लिए भी तैयार थी। यूरोप के मर्दे बीमार यानी ऑटोमन एम्पायर ने अपनी ये आखिरी जंग किस तरह लड़ी? अमेरिका और यूरोप में जंग अजीम के एक महाज को स्लीपी जंग क्यों कहा जाने लगा था? एक फ्रेंच कमांडर को सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर जाकर ठोकर क्यों मारना पड़ी? मैं फैसल राइज और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की 5वीं किस्त में हम आपको यही कहानी दिखाएंगे। माइक्रोस फेलोज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस्मानी खलीफा मोहम्मद 5 कहने को तो मुस्लिम दुनिया के रूहानी लीडर थे, लेकिन मुस्लिम दुनिया पर उनका असर बराए नाम ही रह गया था। ख़ास तौर पर उनके ज़ेरे कंट्रोल अरब इलाकों में, जैसा कि इराक, शाम और हिजाज में तो बगावत की तहरीकें जन्म ले भी चुकी थीं। ऑटोमन एम्पायर से बाहर बसने वाले मुसलमान भी अब उस्मानी खलीफा की पहले जैसी इज्जत नहीं करते थे। इसका एक सबूत न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर है जो नवंबर 1914 में शाया हुई थी। इस खबर के मुताबिक, जब तुर्की बरतानिया के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा था तो हिंदुस्तानी मुसलमान बरतानिया की फतह की दुआएँ मांग रहे थे। मुसलमान उलमा तुर्की से अपीलें कर रहे थे कि या तो जंग में न्यूट्रल रहो या फिर बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के साथ, एलाइड पावर्स के साथ मिल जाओ। ये सच है कि बाद में हिंदुस्तानी मुसलमानों ने तुर्कों के हक में तहरीक खिलाफत भी चलाई थी, लेकिन आपके जहन में रहे कि ये तहरीक खिलाफत जंग अजीम ख़त्म होने के बाद चलाई गई थी। जंग अजीम के दौरान तो तुर्कों के खिलाफ जो बरतानवी फ़ौज लड़ने के लिए जाती थी उसमें हिंदुस्तानी मुसलमान भी शरीक होते थे। हिंदुस्तान के अलावा दोस्तों, अफगानिस्तान के हुक्मरान हबीबुल्लाह खान भी बरतानिया के ज़ेरे असर थे। तुर्क और उनके इत्तेहादी जर्मनों ने अपना एक वफ्द हबीबुल्लाह खान के पास भेजा था कि वो बरतानिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दें, उनके साथ मिल जाएं। तहम अफगान अमीर ने साफ इनकार कर दिया था। हिंदुस्तानी और अफगान मुसलमानों के अलावा ऑटोमन एम्पायर के अरब शहरी भी उस्मानियों के साथ नहीं रहे थे। मिसाल के तौर पर नवंबर 1914 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने बसरा के रास्ते इराक पर हमला कर दिया। इसके मुकाबले पर जो तुर्क फौज थी इसमें शामिल हजारों अरब सिपाही भगोड़े हो गए थे। जब तुर्कों ने इन्हें पकड़ने के लिए मिलिट्री एक्शन शुरू किया तो इराक में बड़े पैमाने पर बगावत हो गई। खास तौर पर नजफ और करबला के लोगों ने तुर्कों के खिलाफ हथियार उठा लिए। उन्होंने तुर्क फोर्सेस को उन शहरों से निकाल कर उनका कंट्रोल अपने पास ले लिया। इस सूरत हाल ने तुर्क फोर्सेस के मोराल को काफ़ी डाउन कर दिया। बसरा का सूबा भी मुकम्मल तौर पर उनके हाथ से निकल कर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कब्जे में चला गया था। इस सूबे में ज़्यादातर देहात में अरबों ने सफ़ेद परचम लहरा कर ब्रिटिश आर्मी को वेलकम किया।
उस्मानी खलीफा सुल्तान मोहम्मद फाइव का पूरा नाम मोहम्मद रशाद था। इराकी उन्हें तंज किया करते थे, जिसका उर्दू तर्जमा अगर करें तो यूं बनता है कि रशाद उल्लू की औलाद, तेरी फौज हारी, तेरे फौजी भागे। इन बगावतों का, इन अरबों की उस्मानियों के खिलाफ बगावतों को देखकर दोस्तों ऐसा लगता था कि बरतानवी फौज अब जल्द ही बगदाद में दाखिल हो जाएगी। लेकिन दो जानबाज उस्मानी कमांडर्स दोस्तों अंग्रेजों की राह में दीवार बनकर खड़े हो गए। ये कमांडर थे नूरुद्दीन इब्राहिम पाशा और खलील पाशा। मैक्यूरस फेलोज बरतानवी फौज पेशकदमी करते हुए बगदाद से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर एक शहर सलमान पाक के करीब पहुंच गई। इसे सलमान पाक कहने की वजह यह है कि यहां सहाबी रसूल हजरत सलमान फारसी का मज़ार है। इस शहर में तुर्कों ने बगदाद के दिफा के लिए स्टैंड ले लिया। सलमान पाक में 20,000 तुर्क फौजी मौजूद थे। इनके मुकाबले पर जो ब्रिटिश प्लस हिंदुस्तानी फौज आ रही थी उसकी तादाद वाजे नहीं, लेकिन ये तुर्कों से बहरहाल कम थी। अंग्रेज कमांडर जनरल चार्ल्स टाउनसेंड ने लड़ाई शुरू होने से पहले एक जासूस तैयारा जायजा लेने के लिए इस इलाके का भेजा, लेकिन तुर्कों ने इस ब्रिटिश तैयारे को मार गिराया और पायलट को गिरफ्तार कर लिया। यानी ब्रिटिश कमांडर्स तुर्क फौज की तादाद से और दूसरी जासूसी से बेखबर रहे। दूसरी तरफ तुर्कों ने हिंदी और उर्दू में लिखे हुए पोस्टर्स तैयारों से बरतानवी फोर्सेज पर गिराना शुरू कर दिए। इनमें हिंदुस्तानी मुसलमानों को कहा गया था कि वो काफरों के बजाय उस्मानी मुस्लिम भाइयों का साथ दें, ये उनका दीनी फरीजा है। ये पोस्टर्स पढ़कर कुछ मुसलमान सिपाहियों ने वाकई बगावत भी अंग्रेजों के खिलाफ कर दी थी। एक मौके पर चार मुसलमान फौजियों ने एक ब्रिटिश अफसर को गला काट कर कत्ल कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बरतानवी फौज पर फायरिंग की थी और फिर तुर्कों से जा मिले थे। यही वजह थी कि मुसलमान सिपाहियों वाली एक यूनिट 20 पंजाब को इराक से निकालकर यमन भेज दिया गया था। बाकी जो मुसलमान सिपाही ब्रिटिश आर्मी में रह गए थे उस जगह, उनके सामने अंग्रेजों ने शहर का कदीम नाम तिस्फून इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस नाम से चूंकि कोई तकद्दस जुड़ा हुआ नहीं था जैसा कि सलमान पाक से था, तो इसलिए मुसलमानों के मजहबी जज्बात भड़कने का खतरा उनके नज़दीक कम था। 22 नवंबर को इस शहर सलमान पाक के लिए लड़ाई शुरू हुई, जो कई रोज जारी रही। इस दौरान आलमी मीडिया ये रिपोर्ट करता रहा कि बरतानिया ने तिस्फून पर कब्जा कर लिया है। बरतानिया मुसलसल फतूहात के दावे भी कर रहा था और ये तासुर दे रहा था कि उसकी फौज बगदाद की तरफ बढ़ रही है। ताहम अचानक तुर्कों के जवाबी हमलों ने बाजी पलट दी। बरतानवी फौज को तिस्फून से पीछे धकेल दिया गया। ब्रिटिश कमान वाली हिंदुस्तानी फौज पसपा होकर बगदाद से 160 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर अलकौत में पहुंच गई। तुर्कों ने इस भागती हुई फौज का ताकुब किया और अलकौत को घेर लिया। यहाँ से दोस्तों एक तवील मुहासरा, एक सीज शुरू हुई जो 7 दिसंबर 1915 से 29 अप्रैल 1916 तक जारी रही। इस दौरान बसरा की तरफ से बरतानवी फोर्सेज ने मुहासरा ख़त्म करवाने की भरपूर कोशिशें की। ज़मीनी फौज को लाने के लिए ट्रैक्स बिछाए गए, जिन पर फौजियों से भरी गाड़ियों को घोड़े खींच कर ले जाया करते थे। रास्ते में दरियाए दजला पड़ता था, जिस पर कश्तियों के आर्जी पुल भी बनाकर इसे क्रॉस किया गया। इन फोर्सेस की मदद के लिए भारी तोपें भी भेजी गईं, लेकिन तुर्कों ने बरतानवी फौज को रेस्क्यू करने की हर कोशिश नाकाम बना दी। इन हमलों के दौरान कम से कम 23,000 बरतानवी फौजी हलाक या जख्मी हुए। ये हलाकतें घेरे में आई हुई बरतानवी फौज के अलावा की थी। साथियों, अलकोत का मुहासरा हर गुजरते दिन के साथ सख्त से सख्तर होता जा रहा था। घेरे में आई हुई मैसूर बरतानवी फौज के पास खाने पीने का सामान, गोला बारूद और अद्वियात सब कुछ खत्म हो चुका था। हिंदुस्तानी सिपाही तो भूख के मारे हड्डियों के ढांचे दिखाई देने लगे थे और इनकी मुर्दनी सी तस्वीर, ढांचों जैसी तस्वीर अखबारात में शाया होती थी। बरतानवी हुकूमत को शदीद परेशानी थी कि अगर अलकोत में हमें सरेंडर करना पड़ गया, हथियार डालना पड़ गए, तो बड़ी बदनामी होगी क्योंकि हम तो सुपर पावर हैं। चुनाचे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, जिन्हें बाद में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से शोहरत दवाम मिली, इन्हें अलकोत भेजा गया। इन्होंने तुर्क कमांडर को ऑफर की कि अगर आप मुहासरा ख़त्म कर दें और हमारी फौज को निकलने का एक महफूज रास्ता दे दें, तो हम आपको 20 लाख पाउंड्स देंगे, 2 मिलियन पाउंड्स। तुर्कों ने यह ऑफर मानने से इनकार कर दिया। टी लॉरेंस इन नाकाम मुजाकरात के बाद गालिबन बरतानवी कब्जे वाले बसरा में चले गए, लेकिन उधर अलकोत में बरतानवी फौज का सबर अब तक जवाब दे चुका था। बरतानवी कमांडर चार्ल्स टाउनसेंड के हुक्म पर हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अपनी तमाम तोपें तबाह कर दी ताकि ये तुर्कों के हाथ ना लगे। इसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। हथियार डालने के इस वाक्य पर तुर्कों ने एक पेंटिंग भी तारीखी बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बरतानवी कमांडर तुर्क अफसरों के सामने सर झुकाए खड़े हैं।
पेंटिंग के बाद आप असल तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ब्रिटिश जनरल चार्ल्स टाउनहैंड उस्मानी कमांडर खलील पाशा के साथ बैठे हैं और उनके चेहरे पर परेशानी है और शर्मिंदगी साफ नजर आ रही है। अलकौत में कम से कम 8,970 बरतानवी और हिंदुस्तानी सिपाही तुर्कों की कैद में आए थे। बरतानिया की इस जिल्ला तामेज शिकस्त पर जर्मन्स ने, यानी बरतानिया के दुश्मन ने, एक तंजिया कार्टून भी शाया किया था जिसमें दिखाया गया था कि एक तुर्क फौजी है, उसके एक हाथ में परचम है, दूसरे में कोड़ा है, जबकि इसके सामने, बल्कि इसके कदमों में एक बरतानवी शेर जिस्म पर मरहम पट्टियां करवाए हुए, मुंह से खून बहाता हुआ, मुंह सुजाया हुआ, भीगी बिल्ली बना दूसरी तरफ जा रहा। तो खैर दोस्तों, अब इराक के महाज पर तो स्टेलमेट हो गया था, यानी बसरा का सूबा अंग्रेजों के कब्जे में और बगदाद तुर्कों के पास, तो यहाँ एक स्टेलमेट जंग रुक गई। दोस्तों इस स्टेलमेट को तोड़ने के लिए बरतानिया ने डिवाइड एंड रूल का तरीका इस्तेमाल किया, यानी तुर्क सल्तनत को अंदर से कमजोर करना शुरू किया। उन्होंने हिजाज के उस्मानी गवर्नर शरीफ मक्का हुसैन बिन अली को यह लालच दिया कि उन्हें पूरी अरब दुनिया का बादशाह और मुसलमानों का नया खलीफा हम बना देंगे। शरीफ मक्का इस लालच में आ गए और अंग्रेजों के साथ मिल गए और उन्हें 1916 में तुर्कों के खिलाफ बगावत करने का मौका मिल गया, जो कि उन्होंने कर दी। इसके बाद से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दोस्तों टेबल्स टर्न। माय क्यूरियस फेलोज, इधर शरीफ मक्का ने बगावत की और उधर बरतानिया ने उनकी मदद के लिए ऑफिसर लॉरेंस को हिजाज भेज दिया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने अरबों में कोई 1,10,000,000 पाउंड्स की रकम तकसीम की मदद के लिए। इन्हें जदीद हथियारों से मुसल्ला भी टीई लॉरेंस ने ही किया। इन हथियारों की मदद से शरीफ मक्का ने पूरे हिजाज का कंट्रोल संभाल लिया। तो दोस्तों उधर हिजाज उस्मानियों के हाथ से निकला और इधर इराक में भी बाजी पलट गई, स्टेलमेट खत्म हो गया। वो इस तरह कि बरतानवी कमांडर्स ने अपने कंट्रोल वाले इराकी सूबे बसरा में बड़े पैमाने पर ताजा दम फौज जमा कर ली। इनमें हिंदुस्तानी फौज के अलावा ब्रिटिश एम्पायर के दीगर इलाकों के फौजी दस्ते भी शामिल थे। इनके पास तुर्क तैयारों को मार गिराने के लिए तैयारा शिकन तोपें भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। इस मरतबा बरतानवी फौज ने अलकौत वाली गलती नहीं दोहराई और फूंक फूंक कर कदम रखते हुए बगदाद की जानिब पेशकदमी जारी रखी। इनके साथ साथ दरिया दजला में बड़ी बड़ी गन बोट्स भी चल रही थी, जो जाहिर है इनकी सिक्योरिटी के लिए भी थी। बरतानवी फौज की जबरदस्त ताकत के सामने तुर्क कुछ ही अरसे में दोस्तों शिकस्त खा गए। 11 मार्च 1917 के रोज बरतानवी फौज बगदाद में दाखिल हो गई। इस फौज में ज्यादा तादाद हिंदुस्तानी फौजियों की थी। शहर के लोग गलियों के दोनों जानिब और घरों की छतों पर खड़े यह नज़ारा देख रहे थे। इराक का अहम तरीन शहर उस्मानियों के हाथ से निकल गया था। बगदाद फतह हो चुका था अंग्रेजों के हाथों, स्टेलमेट टूट चुका था। अब दोस्तों यहाँ से बरतानिया का अगला टारगेट था फलस्तीन, जिस पर मिस्र के सहराए सीना से बासानी अंग्रेज हमला कर सकते थे। तुर्क इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने सहराए सीना के करीब फलस्तीनी इलाके गजा में बहुत मजबूत डिफेंस पोजीशंस ले रखी थी। ये अंग्रेजों के खिलाफ उनकी फ्रंट लाइन थी। यहाँ पर यहाँ तुर्क फौज इतनी ताकतवर थी कि इसने मार्च और अप्रैल 1917 में अंग्रेजों के दो हमले नाकाम कर भी दिए थे। अंग्रेज कमांडर एलन भी समझते थे कि गजा में तुर्क दिफाई लाइन टूट गई तो इसके बाद फलस्तीन और दीगर इर्द गिर्द के अरब इलाकों पर उनका कब्जा मुश्किल नहीं रहेगा। चुनाचे उन्होंने गजा से तुर्क फौज को निकालने के लिए एक चाल चली। उन्होंने गजा के जनूब में बेरशेबा के इलाके में, जहां तुर्क फौज की तादाद बहुत कम थी, वहां हमला कर दिया। अंग्रेज फौज आसानी से बेरशेबा पर काबिज हो गई। अब वो सहराए सीना और बेरशेबा दोनों जानिब से हमला करके गजा में तुर्क फौज को घेर सकते थे। तुर्क कमांडर भी इस बात को भांप चुके थे और समझ चुके थे कि गजा का दिफा मुमकिन नहीं, क्योंकि अब दो अतराफ से हमला हो सकता है। चुनाचे उन्होंने गजा खाली किया, पीछे हटे और बैतुल मक्दस की तरफ आ गए, यानी फलस्तीन के मरकज में आ गए। अंग्रेजों ने अब गजा पर कब्जा कर लिया, जो कि पिछली लड़ाइयों के बाद से इतनी बमबारी हुई थी उनमें कि अब यह तबाह हो चुका था। अब एक तरफ जब गजा पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, तो उसके करीब ही ये एक और वाकया हुआ कि हिजाज में उनके हाशमी इत्तेहादियों और लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने भी तुर्कों पर उर्दन में हमला कर दिया। फैसल हाशमी और कर्नल लॉरेंस की कमांड में एक अरब फौज उर्दन के साहली शहर अल अकबा के रास्ते तुर्क कंट्रोल वाले इलाकों में दाखिल हो गई। ये कामयाबी, ये फतह अंग्रेजों के लिए बोनस थी। उन्होंने रोल्स रॉयस आर्म्ड गाड़ियों और जंगी तैयारों पर मुश्तमिल एक बड़ा फौजी दस्ता अल अकबा के रास्ते भी तुर्क इलाकों में दाखिल कर दिया, यानी अरबों के साथ ये अंग्रेज दस्ता भी शामिल हो गया। इस फोर्स ने अरबों से मिलकर, यानी अंग्रेजों की फोर्स ने और अरबों ने, दोनों ने मिलकर उर्दन में मौजूद ऑटोमन फोर्स को मसरूफ कर दिया।
यानी अब ये उर्दन में ओटमन की जो फोर्स थी ये फलस्तीन में बैतुल मकदस में अपने तुर्क भाइयों की मदद के लिए नहीं जा सकती थी। जब उर्दन में दोस्तों अरबों का हमला जारी था, उस वक्त फलस्तीनी इलाके में बरतानवी फौज फातेहाना मार्च करते हुए बैतुल मकदस यरूशलम की तरफ इसीलिए बढ़ रही थी कि उर्दन की फौज अब यहाँ से हरकत नहीं कर सकती थी। यही उनका अगला टारगेट था कि तन्हा करके ओटमन एम्पायर की फोर्स को फलस्तीन में घेरा जाए। इस लड़ाई में एक यहूदी फोर्स भी उनके साथ थी जिसे ज्यूइश लीजन का नाम दिया गया था। यहूदी बैंकर फैमिली रॉथचाइल्ड्स के एक रुकन जेम्स रॉथचाइल्ड भी इस फोर्स में मेजर थे। ज्यूइश लीजन को फलस्तीन पर हमले के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। इसका भर्ती का पोस्टर यहूदियों की इब्रानी जुबान में डिजाइन किया गया था। इस पर यहूदियों का 6 कोनों वाला डेविड स्टार बना हुआ था और ज़ायोन यानी कदीम यहूदी रियासत की बेटी कह रही थी कि तुम्हारी सरजमीन तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी यहूदी रेजिमेंट ज्वाइन करो। बैतुल मकदस आप जानते हैं मुसलमानों के लिए मुकद्दस शहर था, अहम तरीन शहर था। अंग्रेज़ों को भी इराक में सलमान पाक वाला तजुर्बा याद था जब मुसलमान फौजी बागी हो गए थे, और अब भी जो ब्रिटिश आर्मी जा रही थी इसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों के अलावा और भी मुसलमान फौजी शामिल थे। सो ब्रिटिश कमांडर्स बैतुल मकदस के मामले पर मजहबी जज्बात नहीं भड़काना चाहते थे कि मुबादा इनके मुसलमान फौजी फिर बगावत कर दें। चुनाचे बरतानवी हुकूमत ने अपने अखबारात को एक मेमो भेजा। इस मेमो में कहा गया था कि तुर्की के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए मुकद्दस जंग, होली वॉर या जदीद क्रूसेड, मॉडर्न क्रूसेड या ऐसा कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए जिसमें कोई मजहबी पहलू निकले। बरतानवी प्रेस ने चंद रोज़ तक तो इस बात का वाकई ख्याल रखा, लेकिन इसके बाद उनकी तरफ से बैतुल मकदस के हमले के हवाले से बड़े पैमाने पर क्रूसेड का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होने लगा। हत्ता कि बरतानिया के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ने भी ये लफ्ज़ आम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक तरफ दोस्तों क्रूसेड्स का शोर तो मच गया, लेकिन साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी हद कर दी कि सारी एहतियात बालाए ताक रखते हुए फलस्तीन को यहूदी रियासत में तब्दील करने का मंसूबा पब्लिक कर दिया। इसे आज हम बेलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। 2 नवंबर 1917 के रोज़ बरतानवी वज़ीर ख़ारजा आर्थर बेलफोर ने लंदन में यहूदी बैंकर डॉनर वाल्टर रॉथचाइल्ड को एक खत भेजा। ये खत बरतानवी फॉरेन ऑफिस की तरफ से सरकारी हैसियत में जारी किया गया था, प्राइवेट में नहीं। खत का मतन बरतानवी प्रेस में भी शाया किया गया। इस खत को बेलफोर डिक्लेरेशन का नाम दिया गया था। आर्थर बेलफोर ने लिखा कि डियर लॉर्ड रॉथचाइल्ड, बरतानवी हुकूमत फलस्तीन में यहूदी लोगों के लिए कौमी घर, एक रियासत के क्याम की फेवर करती है। हम इस मकसद के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें करेंगे। बरतानवी काबीना ने भी इस प्लान की मंजूरी दे दी है। खत के आखिर में रॉथचाइल्ड से कहा गया था कि वो इस डिक्लेरेशन के मुतालिक ज़ायनिस्ट फेडरेशन यानी इसराइल की हामी यहूदी तंजीम को भी आगाह कर दें। इस खत के एक माह बाद दिसंबर में बरतानवी फौज बैतुल मकदस के करीब पहुँच गई। जब उस्मानी तुर्कों ने देखा कि बैतुल मकदस का दिफा नामुमकिन है तो वो शहर से पसपा हो गए, पीछे हट गए। तुर्कों की तरफ से ऐलान किया गया कि उस्मानी हुकूमत मजहबी मुकामात को तबाही से बचाने के लिए अपनी अफवाज को शहर से हटा रही है। मजहबी मुकामात यानी मसीहियों के मुकदस चर्च, होली सेपलिका और मस्जिद अक्सा की निगरानी के लिए कुछ ऑफिसर बहरहाल तैनात कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप यानी अंग्रेज इस शहर के तकद्दस का इसी तरह ख्याल रखेंगे। इस ऐलान के बाद 9 दिसंबर 1917 को उस्मानी अफसरों ने सफ़ेद परचम लहराकर बैतुल मकदस सरेंडर कर दिया। इस मौके पर 11 दिसंबर को जनरल एलन भी शहर के जाफा गेट की तरफ से बैतुल मकदस में पैदल दाखिल हुए। उन्होंने भी बरतानवी हुकूमत और प्रेस की तरह एक मुतसब बयान जारी किया। उन्होंने कहा सलीबी जंगें, क्रूसेड्स की लड़ाइयाँ आज मुकम्मल हुई हैं। इधर दोस्तों बरतानवी हुकूमत ने भी इस कामयाबी को मजहबी तौर पर मनाना शुरू कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड लॉयड जॉर्ज ने यरूशलम की फतह को बरतानवी अवाम के लिए क्रिसमस का तोहफा करार दिया। साथियों ये सब कुछ इन बातों के बावजूद कहा जा रहा था कि इस मुहिम में बरतानिया की तरफ से गैर मसीही यानी हिंदू, सिख और मुसलमान फौजियों ने भी हिस्सा लिया था। बल्कि फतह के बाद बरतानिया ने मस्जिद अक्सा और कमातु सखरा की सिक्योरिटी के लिए हिंदुस्तानी सोल्जर्स को ही मुकर्रर किया था। इसके बावजूद बरतानिया ने इस कामयाबी को एक क्रूसेड के तौर पर, एक सलीबी जंग के तौर पर देखा और इसका जश्न मनाया। बरतानवी लश्कर में शामिल यहूदियों ने भी दीवार गरिया, वेलिंग वॉल जिसे वो हैकले सुलेमानी का हिस्सा समझते थे, वहां जाकर सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया। बरतानवी मैगजीन पंच ने सलीबी जंग लड़ने वाले बरतानिया के बादशाह रिचर्ड द लाइन हार्ट का एक खाका शाया किया। इस खाके का उन्वान था द लास्ट क्रूसेड यानी आखिरी सलीबी जंग। मतलब इसमें दिखाया गया था कि किंग रिचर्ड लाइनहार्ट बैतुल मकदस की जानिब देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा ख्वाब आज पूरा हो गया। आप हमारी अयूबी एंड द क्रूसेड सीरीज में जान चुके हैं कि किंग रिचर्ड को बैतुल मकदस में तो शिकस्त हुई थी,
तो किंग रिचर्ड की नाकामी के तनाजुर में ही अब बरतानवी मीडिया क्लेम कर रहा था कि आखिरी क्रूसेड अब हुई है, यानी वो हमला जो उस वक्त शुरू हुआ था वो दरअसल आज मुकम्मल हुआ है। किंग रिचर्ड का बैतुल मुकद्दस फतह करने का ख्वाब तकरीबन 7 सदियों बाद आज पूरा हुआ है, ये वो कहना चाह रहे थे। फिर सिर्फ दोस्तों बरतानवी मीडिया ही ऐसा नहीं कर रहा था, अमेरिका में भी ऐसा ही हो रहा था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने हेडलाइन शाया की कि यरूशलम बैतुल मुकद्दस को 673 साल मुस्लिम दौरे हुकूमत के बाद रेस्क्यू कर लिया गया है। अमेरिका में ऐसी खबरें लगने की वजह दोस्तों ये थी कि 1917 में अमेरिका भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन चुका था। अब माय क्यूरियस फेलोज, अमेरिका इस जंग में क्यों शामिल हुआ? इसकी वजह ये थी कि जर्मन वजीर खारजा आर्थर ज़िमरमैन ने मैक्सिको को अमेरिका पर हमले के लिए उकसाया था। इसके जवाब में अमेरिका ने सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और बल्गारिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। तो खैर, बैतुल मुकद्दस पर कब्जे के बाद भी दोस्तों अरब और बरतानवी अफवाज फलस्तीन और शाम में पेशकदमी करते ही रहे। 30 सितंबर 1918 के रोज़ तुर्क फौज ने दमिश्क भी खाली कर दिया। दमिश्क के अवाम ने शरीफ मक्का का परचम अपने शहर पर लहरा दिया, जिसके बाद बरतानवी फौज इस शहर में दाखिल हो गई। इस दौरान अरब लश्कर ने लिबनान के मौजूदा कैपिटल बैरूत पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों, जंग की इस स्टेज पर पहुंचकर अरबों को, बागी अरबों को पहली बार एहसास होने लगा था कि बरतानिया उनके साथ कोई धोखा कर रहा है। वो इस तरह के बरतानिया ने एक तरफ तो शरीफ मक्का से वादा किया था कि उन्हें पूरे अरब का हुक्मरान बनाया जाएगा, नया खलीफा बनाया जाएगा। दूसरी जानिब बरतानिया ने फ्रांस के साथ एक खुफिया मुआहदा कर रखा था, जिसे साइकस पिकट एग्रीमेंट कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत शाम और लिबनान के इलाके फ्रांस के कंट्रोल में दिए जाने थे। चुनाचे फ्रांसीसी फोर्सेस ने दमिश्क और बैरूत का कंट्रोल संभाल लिया और अरब लश्कर को निकाल बाहर किया। आखिर में हाशमी ख़ानदान के हिस्से में उर्दन ही आया, जहाँ इस फैमिली के अब्दुल्ला टू आज भी हुक्मरान है। अल अकबा में अरबों की फतह की याद में आज भी शरीफ मक्का का परचम लहरा रहा है, जो कि उन्हें उस्मानियों के खिलाफ मिली थी। यानी आज भी तुर्कों से अपनी बगावत पर इस अरब लश्कर को, इस अरब ख़ानदान को कोई शर्मिंदगी नहीं है। शाम और लिबनान को अरबों से छीनने के बाद फ्रांसीसी कमांडर्स ने भी तासुब का खुला मुजाहरा किया। एक फ्रेंच कमांडर हेनरी गोराउत दमिश्क पहुंचे। वो सलाहुद्दीन यूबी की कब्र पर गए और मुबैना तौर पर इसे ठोकर मार कर बोले, जागो सलाहुद्दीन, हम वापस आ गए। साथ ही ओटोमन अम्पायर ने पहली जंग अजीम में चंद महाजों पर कामयाबी तो ज़रूर हासिल की थी, लेकिन वो जंग हार गए थे। सल्तनत उस्मानिया के अरब इलाकों पर बरतानिया और फ्रांस के मुकम्मल कब्जे के बाद इसकी ताकत ख़त्म हो चुकी थी। 30 अक्टूबर 1918 के रोज़ यूनान की बंदरगाह मोडरोस में बरतानवी जहाज़ एगामेमनॉन पर अंग्रेज़ और तुर्क नुमाइंदे मिले। यहाँ ओटोमन अम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया ने हथियार डालने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इसके तहत 31 अक्टूबर से तुर्की और इत्तेहादियों में लड़ाई ख़त्म हो गई थी। 13 नवंबर को एलाइड पावर्स की फौजें उस्मानी दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया पर भी काबिज हो गई। मैक्यूरस फेलोज, तुर्की यानी ओटोमन अम्पायर तो सेंट्रल पावर्स में से सिर्फ एक ताकत थी, बाकी 3 ताकतें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और बल्गारिया किस अंजाम से दो चार हुई? अमेरिका ने द ग्रेट वॉर में क्या किरदार अदा किया और रूस पहली जंग अजीम में जीतने वालों का साथी होने के बावजूद क्यों हार गया? पहली जंग अजीम के खात्मे की मुकम्मल कहानी भी दोस्तों आपको दिखाएंगे, लेकिन इस मिनी सीरीज की अगली और आखिरी किस्त में। 31 मई 1915 की रात जब पूरा लंदन सो रहा था, तो अचानक शहर के ऊपर एक बहुत बड़ी मशीन नमूदार होती है। ये 650 फीट लंबा एक गुब्बारा था, जिसे जैपलन कहते थे। इसके नीचे लगे टोकरी नुमा हिस्से से 120 बॉम्ब नीचे गिरे और पूरा शहर धमाकों से गूंज उठा। इस हमले में बहुत सी इमारतें तबाह हुईं और कम अज़ कम 7 लोग हलाक भी हुए, जबकि 35 जख्मी थे। जेपलन इस हमले के बाद साफ बचकर जर्मनी लौट गया। फिर हमलों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया, जिसे बरतानिया में जेपलन टेरर यानी जेपलन की दहशत का नाम दिया गया। जब लंदन पर फजा से मौत बरस रही थी, तो दूर समंदरों में भी एक जर्मन हथियार शार्क की तरह घात लगाए बैठा होता था। ये जर्मन आबदोजें थीं जो अपने से 20 गुना बड़े जहाज़ों को, बहरी जहाज़ों को डबो सकती थी और डबो रही थी। ये दोनों हथियार जर्मनी ने ट्रेंच वॉरफेयर का स्टेलमेट तोड़ने के लिए मैदान में उतारे थे। एलाइड पावर्स ने इन जर्मन हथियारों का मुकाबला कैसे किया? जीतता हुआ जर्मनी कैसे जंग अजीम हार गया और आखिर ये जंग खत्म कैसे हुई? मैं हूं फैसल राइज और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज द ग्रेट वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की 6वीं और आखिरी किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे।
माय क्यूरियस फेलोज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अभी हवाई जहाज अपनी तरक्की के इब्तदाई मराहल में थे। ये सैकड़ों टन वजनी बम लेकर दूर दराज टारगेट्स पर हमले करने के काबिल अभी नहीं हुए थे। इन्हें ज्यादा से ज्यादा दुश्मन की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सो जर्मनों ने जेपलिन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। जेपलिन के सैकड़ों फीट लंबे गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी। ये गुब्बारा सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर सकता था, जो कि उस वक्त के हवाई जहाज नहीं कर सकते थे। गुब्बारे के नीचे लगे बास्केट नुमा हिस्से को, जिसे गोंडोला कहा जाता था, इसमें फौजी बैठे होते थे और मशीन गन भी नस्ब होती थी। आमतौर पर एक जेपलिन में ऐसे दो गोंडोलास होते थे। जेपलिन के बर्तानिया पर हमलों में बहुत से बच्चे भी हलाक हो रहे थे, इसलिए अंग्रेज इसे बेबी किलर कहते थे। अंग्रेजों के लिए मुश्किल ये आन पड़ी थी कि जेपलिन को गिराना बहुत ही मुश्किल था। इस दौर में रेडार अभी इजाद नहीं हुए थे कि वो जेपलिन को आने से पहले डिटेक्ट कर सकें और अटैक करवा सकें। फिर जेपलिन इतनी बुलंदी पर उड़ते थे कि जासूस तैयारे भी इन तक नहीं पहुंच सकते थे। इसी तरह बहुत बुलंदी पर किसी टारगेट को हिट करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी अभी नहीं बनी थी। चुनांचे बर्तानिया ने जंगी तैयारे अपडेट करना शुरू किए और तैयारा शिकन तोपें बनाना भी शुरू कर दी। जेपलिन रात को ऑपरेट करते थे और किसी दरिया या झील की सतह की चमक से अपने टारगेट्स तलाश करते थे। इसलिए बादशाह की रहायशगाह बकिंघम पैलेस के नज़दीक एक झील से भी पानी खारिज कर दिया गया, ताकि ये निशाने पर ना आ सके। इसके अलावा जेपलिन को डिटेक्ट करने के लिए अहम इलाकों में ताकतवर सर्च लाइट्स भी नस्ब कर दी गई। इन सर्च लाइट्स से फ़जा की मुसलसल निगरानी की जाती थी। जैसे ही कोई जेपलिन सर्च लाइट की जद में आता तो अलार्म बजा दिया जाता और ब्रिटिश लड़ाका तैयारे फ़जा में पहुंच जाते। इन तैयारों पर ताकतवर मशीन गन्स नस्ब थीं, जिनकी गोलियां जेपलिन के गुब्बारे में छेद कर देती थीं। इसके बाद ये तैयारे ऐसी गोलियां फायर करते थे जो इस छेद से अंदर दाखिल होकर फट जाती थीं। इनके फटने से गुब्बारे में भरी हाइड्रोजन गैस को आग लग जाती थी और वह जल कर राख हो जाता था और गिर जाता था। आप इस बरतानवी प्रोपेगेंडा पोस्टर में देख सकते हैं कि कैसे एक जेपलिन जलता हुआ गिर रहा है और कैप्शन में लिखा है द एंड ऑफ द बेबी किलर। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जेपलिन्स ने कुल मिलाकर बरतानिया पर 50 हमले किए। इन हमलों में कुल 700 लोग हलाक और 2000 जख्मी हुए। लेकिन जेपलिन्स को भी इन हमलों की दोस्तों भारी कीमत बहरहाल चुकाना पड़ी। 115 जेपलिन्स ने इन 50 हमलों में हिस्सा लिया था, जिनमें से 77 को बरतानवी तैयारों ने या एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने मार गिराया। महज 48 जेपलिन्स ही सही सलामत जर्मनी हमलों के बाद वापस पहुंच पाए थे। जेपलिन्स के बढ़ते हुए नुकसान की वजह से ही जंग के आखिरी 2 बरस में जर्मनी ने इनका इस्तेमाल बहुत कम कर दिया था। इनकी जगह अब गोथा तैयारे इस्तेमाल किए जाने लगे थे, जो जेपलिन से ज़्यादा तेज़ रफ्तार थे और बरतानवी तैयारे आसानी से इन्हें पकड़ भी नहीं पाते थे। गोथा तैयारों में पायलट समेत 3 लोग सवार होते थे। इन तैयारों के नीचे बम अटैच कर दिए जाते थे। बम्स के अलावा इन तैयारों में कम से कम 2 मशीन गन्स भी नस्ब होती थी। 13 जून 1917 के रोज कम से कम 14 गोथा तैयारों ने लंदन पर दिन दहाड़े हमला किया और तबाही मचा दी। इन्होंने कुल 118 बम गिराए, 118। इस हमले में बच्चों समेत 162 लोग हलाक और 426 जख्मी हुए। इसके बाद भी गोथा तैयारे वक्फे से बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले करते रहे। इस दौरान बरतानिया ने भी अपने हिफाजती इंतजाम में इजाफा कर लिया और गोथा तैयारों के मुकाबले पर जदीद तैयारे लाए जाने लगे। चुनाचे गोथा तैयारों ने अब दिन के बजाय अपने बचाव के लिए रात में हमले शुरू कर दिए। जेपलिन्स और गोथा तैयारों के बाद जर्मनी का तीसरा खौफनाक हथियार इनकी आबदोजें सबमरीन्स थीं, जिन्हें यूबोट्स कहा जाता था। अब ऐसा था साथियों कि बरतानिया जर्मनी से बड़ी बहरी ताकत था। अपनी इसी ताकत के बलबोते पर उसने जर्मनी की बहरी नाकाबंदी ब्लॉकेड कर रखा था। इस ब्लॉकेड से जर्मनी की सारी ट्रेड और फूड इम्पोर्ट्स बंद हो चुकी थी। इस ब्लॉकेड के जवाब में जर्मनी ने भी बरतानिया को वैसा ही सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। बरतानिया के ताकतवर बहरी बेड़े के मुकाबले में जर्मनी ने अपनी तबाहकुन सबमरीन समंदर में उतारी थी। इन आबदोजों ने बरतानवी बहरी जंगी जहाजों पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए थे। 5 सितंबर 1914 के रोज स्कॉटलैंड के करीब पहला बरतानवी बहरी जहाज ऐसी सबमरीन का निशाना बना। ये HMS पाथफाइंडर था, जिसे एक जर्मन आबदोज U-21 ने डुबो दिया था। इस हमले में जहाज पर सवार अमले के 250 लोग मारे गए थे। फरवरी 1915 में जर्मनी ने ऐलान कर दिया कि बरतानिया के इर्द गिर्द का समंदर वॉर जोन है, जंगी इलाका है। इसमें जो भी जहाज दाखिल होगा, खा वो किसी भी मुल्क का हो, वो न्यूट्रल हो या जंग से ताल्लुक रखता हो या ना रखता हो,
उसे तबाह कर दिया जाएगा। इसके बाद जर्मन आबदोजों ने अगले बरसों के दौरान बरतानवी समंदर में तबाही मचा कर रखी। जर्मनों ने 1917 के सिर्फ 3 माह में 500 शिप्स डुबो दिए। ताहम जर्मनी की यह तबाह कुन वॉर भी दोस्तों बरतानिया को सरेंडर पर मजबूर नहीं कर सकी, बल्कि इसने उल्टा अमेरिका को जंग में घसीट लिया। आप देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ अमेरिका सीरीज की इस किस्त में जान चुके हैं कि जर्मन आबदोज ने एक जहाज रुसिटिना को डुबो दिया था, जिसमें 128 अमरीकी शहरी भी मारे गए थे। रुसिटिना की तबाही के बाद जर्मनी ने अमेरिका को यकीन दिलाया था कि अब अमरीकी शहरियों और जहाजों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ताहम जर्मनी इस वादे पर कायम नहीं रह सका। फिर जर्मनी से एक और गलती ये हुई कि उसने मैक्सिको को अमेरिका पर हमले के लिए उकसाना शुरू कर दिया। तो इन वजूहात के बिना पर अमेरिका भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ मैदान जंग में कूद गया। जवाब में जर्मन सबमरीन्स ने बरतानिया के साथ साथ अमरीकी समुद्री हदूद में दाखिल होकर वहां भी जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। सिर्फ मई 1918 में 13 अमरीकी बहरी जहाज डुबो दिए गए। इनमें से 6 जहाज तो सिर्फ एक दिन में गरकाब किए गए थे। लेकिन इन हमलों के बाद भी अमरीकी अफवाज बहरी जहाजों में बैठकर फ्रांस पहुंचने लगी। यूं वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी के लिए मुश्किलात में इजाफा होने लगा। जर्मनी की एंड गेम शुरू हो चुकी थी, मगर शिकस्त के मंडलाते बादलों में एक महाज ऐसा था जहां जर्मनी को कामयाबी मिली। ये था रूस का महाज ईस्टर्न फ्रंट। रूस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू से ही मुसलसल शिकस्तों की वजह से डिस्टेबलाइज हो चुका था। जंग की वजह से बढ़ती हुई हलाकतों, महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम की कमर तोड़ दी थी। 1917 तक हालात इस कदर खराब हो चुके थे कि अवाम हुकूमत के खिलाफ, बादशाह के खिलाफ हथियार उठाकर सड़कों पर आ गए। इन्होंने फौज से मिलकर ज़ार रूस का, शहनशाह का तख्ता उलट दिया। रूस में इस कम्युनिस्ट इनकलाब, जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं, इसी के नतीजे में ज़ारिस्ट की 370 साल बादशाहत, 370 ईयर्स लॉन्ग बादशाहत खत्म हो गई। आखिरी रूसी शहनशाह निकोलस टू को इनकलाबियों ने कमरे में बंद करके बच्चों समेत पूरे खानदान को गोलियों से उड़ा दिया। एक तकलीफदेह कैओस के बाद दोस्तों व्लादिमीर लेनिन की क्यादत में कम्युनिस्ट रशियन हुकूमत कायम हो गई। यह हुकूमत वॉर थिएटर से खुद को अलग करना चाहती थी, या जो ग्रेट गेम का वॉर थिएटर दुनिया में चल रहा था। वैसे भी रूस कौन सा इसमें जीत रहा था। सो कम्युनिस्टों ने 3 मार्च 1918 के रोज बेलारूस के शहर ब्रेस्लिस्क में सेंट्रल पावर से जंगबंदी का मुआहदा कर लिया। इस मुआहदे के तहत यूक्रेन और बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया, पोलैंड और बेलारूस के बेशतर हिस्सों पर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का कब्जा तस्लीम कर लिया गया। इस तरह रूस की नई इनकलाबी बोल्शेविक गवर्नमेंट द ग्रेट वॉर से बाहर निकल गई। रूस के वॉर थिएटर से निकल जाने के बाद ईस्टर्न फ्रंट पर तो जंग खत्म हो गई, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट कुछ देर मजीद गर्म रहा। इस दौरान यह भी होता रहा कि सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और बल्गारिया को मुसलसल मुआशी मुश्किलात ने अंदर से खोखला कर दिया। रूस की तरह जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी लोग इस कदर तंग आ गए थे कि बादशाहत के खात्मे के लिए वहां भी तहरीकें चल पड़ी थी। खास तौर पर वेस्टर्न फ्रंट पर ट्रेंच वॉरफेयर ने जर्मनी को सख्त अजाब में मुब्तला कर रखा था। इस जंग का दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरी का अलमिया ये था कि सख्त सर्दी, बर्फबारी, बारिश, गर्मी, सब कुछ सिपाहियों को, दोनों तरफ के सिपाहियों को इन्हीं कब्रों की तरह खुदे हुए गढ़ों में, ट्रेंचेस में गुजारना पड़ती थी। ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। खास तौर पर बरसात में कीचड़ से भरी हुई ट्रेंचेस में, खंदकों में रहना एक तकलीफदेह काम था, जबकि इस दौरान बारूद का खेल भी जारी होता था। इसके अलावा ट्रेंचेस में वबाई अमराज ने भी लाखों सिपाहियों की जानें ले ली थी। सिर्फ 1918 में वायरल इन्फ्लुएंजा, जो एक वबा फैली, उससे 1 लाख फौजी मारे गए थे। सीलन ज़दा गढ़ों में सालों रहने के बायस कितने ही सिपाही ऐसे थे जिनके आज़ा, बॉडी पार्ट्स गल सड़कर गिरने लगे थे। इसी वेस्टर्न फ्रंट पर दोस्तों नवंबर 1918 तक जर्मनी मुकम्मल शिकस्त से दोचार हो चुका था। फिर उसके इत्तेहादी ऑस्ट्रिया और बल्गारिया भी एलाइड पावर्स से शिकस्त खा चुके थे। अब वो सब एक एक करके एलाइड पावर्स के सामने हथियार डालने लगे थे, क्योंकि मजीद जंग के लिए ना तो उनके पास इकॉनमी थी, उनके पास रकम थी, ना ही ताज़ा दम सोल्जर्स थे, और हुकूमतें भी पीछे कमज़ोर हो चुकी थीं, इनकलाबात आ रहे थे। 29 सितंबर को बल्गारिया, 3 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और 11 नवंबर को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया।
सरेंडर की शरायत के तहत जर्मनी को फ्रांस और बेल्जियम समेत अलाइड पावर्स के कब्जे में लिए गए तमाम इलाकों को खाली करने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा जर्मनी की 5,000 तोपें, 25,000 मशीन गन्स, 1,700 तैयारे, 74 बहरी जहाज और तमाम आबदोजें सब मरीन्स भी अलाइड पावर्स के हवाले कर दी गई। जर्मनी के हथियार डालते ही जंग अजीम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। लेकिन साथ ही दोस्तों चार बड़ी अम्पायर्स भी किस्सा माजी बन गई। तीन बादशाहतें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस तो जंग के दौरान ही अपने अंजाम को पहुंच गईं, जबकि चौथी ओटोमन अम्पायर शिकस्त और रीख्त का शिकार होकर आखिरकार 1924 तक मुकम्मल ख़त्म हो गई, जिसकी जगह मॉडर्न तुर्की ने फिर जन्म लिया। चार पुरानी अम्पायर्स टूटने से जो नए ममालिक दुनिया में उभरे उनमें हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया शामिल थे, जबकि हिजाज समेत एक बड़े अरब इलाके पर सऊदी सल्तनत कायम हो गई। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर्स यानी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रूस वगैरह की जानिब से कम अज़ कम 4,40,00,000 44 मिलियन से जायद सोल्जर्स ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 2,20,00,000 22 मिलियन से जायद फौजी हलाक या जख्मी हो गए। सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ओटोमन एम्पायर और बल्गारिया के 2,20,00,000 22 मिलियन से जायद फौजी इस वर्ल्ड वॉर में शरीक हुए थे। इनमें से भी 1.5 करोड़ 15 मिलियन से जायद सोल्जर्स हलाक या जख्मी हुए। यानी सेंट्रल पावर्स की फौजी ताकत और जानी नुकसान दोनों एलाइड पावर्स से बहुत कम थे, फिर भी शिकस्त सेंट्रल पावर्स के हिस्से में ही आई। यूं दोस्तों ये खौफनाक जंग अपने अख्ताम को पहुंची, लेकिन जंग के आखिरी दिनों में एक दिलचस्प वाकया भी हुआ। वो ये कि 7 नवंबर को यानी जर्मनी के सरेंडर से 4 दिन पहले ही अमेरिका में ये खबर गलत तौर पर छप गई कि जर्मनी ने हथियार डाल दिए हैं, मतलब अमेरिका की फतह पर जंग खत्म हो गई है, जबकि ये खबर 4 दिन पहले छपी थी। ये अब खबर का छपना था, लोगों को इसका पता लगना था कि पूरे मुल्क में जश्न का समा हो गया। न्यूयॉर्क सिटी में तो छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, लोग खुशियां मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। वो जर्मनी के सरेंडर वाला अखबार जिसमें कहीं ये गलत खबर छपी थी उसे लहरा रहे थे। कई जगहों पर जर्मन शहनशाह काइजर के पुतले भी लहराए गए। कुछ लोगों ने तो जर्मन शहनशाह का अलामती ताबूत भी तैयार किया। लेकिन अमेरिका भर में जब शाम को जश्न ख़त्म हुआ तो लोगों को बताया गया कि जंग तो भी जारी है, सो वो अपना समून लेकर रह गए। इसका नुकसान ये हुआ कि 4 रोज़ बाद जब जर्मनी ने वाकई सरेंडर कर दिया और इसकी खबर छपी तो इस असली खबर पर किसी ने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोग अपने जश्न की एनर्जी पहले ही ज़ाया कर चुके थे। माय क्यूरियस फेलोज, यहाँ पहली जंग अजीम द ग्रेट वॉर की मुख्तसर कहानी ख़त्म होती है। ये वो जंग थी जिसको शुरू करते हुए जर्मन शहनशाह काइजर विल्हेल्म ने कहा था कि मौसम खिजा में दरख्तों के पत्ते झड़ने तक मेरे सिपाहियों तुम घरों को लौट आओगे। जब जंग खत्म हुई तो वाकई पतझड़ का ही मौसम था, बस फर्क इतना था कि यह खिजा चौथी बार आई थी। मैक्यूरस फेलोज, द ग्रेट वॉर के बाद जर्मनी पर जो जिल्लत आमेज शरायत थोपी गई थी उनका रद्दअमल रिएक्शन तो होना ही था। यह रद्दअमल हिटलर और इनकी नाजी पार्टी की शक्ल में सामने आया, जिसका नतीजा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरी जंग अजीम की मुकम्मल कहानी आप यहाँ जान सकते हैं। यहाँ देखिए कि चाणक्या और चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुस्तान को कैसे यकजा किया, और यहाँ देखिए पहली जंग अजीम की मुकम्मल कहानी पहली किस्त से यहाँ।